ब्यावरा नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मंच पर आसीन आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी प्रांत प्रभारी श्री विवेक भाई, सह प्रांत प्रभारी श्री दीपेंद्र भाई, श्री प्रणपाल जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री महेश भाई, श्रीमती मोना बहन, श्रीमती सुनीता बहन, श्री मुकेश भाई, श्री बी के गुप्ता जी, श्री लाखन जी और श्री लोकेन भाई, आप सभी का मैं विशेष आभारी हूँ। ये आयोजन आपने किया है, मुझे आपसे बात करने का, संवाद करने का मौका मिला है। भारत देश में पिछले 5 जनवरी 2009 से एक अभियान शुरू हुआ है, उसका नाम है भारत स्वाभिमान। ये अभियान को शुरू हुए लगभग 6 महीने हुए हैं। इस अभियान के अध्यक्ष हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, इसके महामंत्री हैं आचार्य श्री बालकृष्ण जी, और इसका राष्ट्रीय सचिव का दायित्व परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे दिया हुआ है। सारे देश में इस अभियान से 31 राज्यों के प्रांत प्रभारी स्तर के अधिकारी जुड़े हैं, 680 जिलों के जिला प्रभारी इसके साथ जुड़े हैं, इसके अलावा मंडल प्रभारी हैं पूरे देश में, 2,40,000 योग शिक्षक कार्यकर्ता के रूप में इस अभियान से जुड़े हैं। जनवरी 2011 तक लगभग 11 लाख योग शिक्षक कार्यकर्ता इसमें जुड़ जाएंगे, ऐसा प्रयास चल रहा है। अगले वर्ष से परम पूजनीय स्वामी जी एक एक जिले का प्रवास करने वाले हैं, तो अगले 2 वर्षों में लगभग 5 करोड़ लोग जुड़ेंगे, ऐसी हमारी संकल्पना है। ये अभियान क्यों शुरू हुआ है, क्या करना चाहते हैं हम, इस अभियान के माध्यम से क्या कार्य करना है, जरूरत क्या है इस अभियान की, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब आपको इस व्याख्यान के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। हमारे देश की आज़ादी आए हुए 62 साल हो गए। 62 साल की आज़ादी के बाद इस देश में कुछ गंभीर प्रश्न हैं जो हल नहीं हो पाए हैं, जिनको हल होना चाहिए था आज़ादी मिलने के तुरंत बाद। सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारे देश के शहीदों ने जो सपना देखा देश की आज़ादी का और आज़ादी के बाद के भारत का, वैसा भारत नहीं बन पाया। हमारे शहीदों का सपना था कि आज़ादी मिलने के बाद भारत में अंग्रेज चाहें तो मेहमान की तरह से रहें, लेकिन अंग्रेजियत इस देश में ना रहे। महात्मा गांधी जो आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे इस देश में, उनको एक बार पूछा गया कि आज़ादी के बाद भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि अंग्रेज चाहें तो भारत के मेहमान बन के रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों की जो व्यवस्था है, अंग्रेजों की जो शिक्षा है, अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, अंग्रेजों के जो कानून हैं, अंग्रेजों की जो भाषा है अंग्रेजी, ये सब हमें ख़त्म करनी है। और इसी को गांधी जी ने अंग्रेजियत कहा था। और उन्होंने कहा कि ये इसलिए ख़त्म करनी है कि भारत के शहीदों ने जो शहादत दी है, जो कुर्बानी दी है, वो इसी उद्देश्य के लिए दी है। आप जानते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए 7,32,780 लोग शहीद हुए हैं। दुनिया में किसी भी देश की आज़ादी के लिए इतने लोग शहीद नहीं हुए जो भारत में हुए, और ये 7,32,780 शहीद वो हैं जिनको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था, जैसे तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु, शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। उनकी शहादत के बाद ये देश आज़ाद हुआ है। बहुत कीमती है इस देश की आज़ादी।
इसके अलावा ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जिनको अंग्रेजों ने गोलियों से मार दिया। अंग्रेजों की पुलिस फायरिंग करती थी और भारत के सैकड़ों शहीद गोलियों से मारे जाते थे। आपको याद है एक बार इस देश में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग में। सन 1919 में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। 1800 से ज़्यादा राउंड गोलियां चली थी, 1832 राउंड, 1832 राउंड गोलियां चलाई गई थी और उसमें 3000 भारतवासी शहीद हो गए थे और हजारों भारतवासी उस दुर्घटना में विकलांग हो गए थे। ऐसे हत्याकांड अंग्रेजों के ज़माने में बहुत हुए, एक ही बार में 3000 लोग शहीद हुए, कहीं एक ही बार में 2000, 1500 ऐसे जो हत्याकांड अंग्रेजों ने किए। इसके अलावा अंग्रेजों ने बर्बरता से हमारे क्रांतिकारियों को लाठियों से मारा, पीटा और कई क्रांतिकारी उसमें शहीद हुए लाठियां खाकर, जैसे लाला लाजपत राय, पंजाब के एक बड़े नेता थे। एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उनको सिर पर इतनी लाठियां मारी कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी मृत्यु हुई। तो अंग्रेजों की पुलिस ने लाठियां मारी, अंग्रेजों की पुलिस ने गोलियां चलाई। अंग्रेजों की सेना में कई बार ऐसा होता था कि भारतीय क्रांतिकारियों को तोप के मुंह से बांध देते थे और गोला लगाकर उनके शरीर के एक एक चिथड़े को उड़ा देते थे। जिन क्रांतिकारियों को तोप के मुंह से बांधा गया, जिन क्रांतिकारियों को गोलियों से मारा गया, जिन क्रांतिकारियों को लाठियों से अंग्रेजों ने खत्म किया, ऐसे क्रांतिकारियों की संख्या 4.5 करोड़ है। दुनिया के किसी देश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोग शहीद नहीं हुए जो भारत में हुए। कई बार अंग्रेज क्या किया करते थे, भारत के किसी गांव में जो क्रांतिकारियों का गढ़ होता था, जैसे अभी मेरे व्याख्यान के पूर्व आप सुन रहे थे नरसिंहगढ़, ऐसे बहुत स्थान थे भारत में, बिठूर, कानपुर के पास आपके इलाके में नरसिंहगढ़, उधर हमारे उत्तर भारत में बरेली, शाहजहांपुर जैसे केंद्र, बैरकपुर, कलकत्ता के आसपास, तो ऐसे कई स्थान थे जहां क्रांतिकारियों का ऑफिस होता था, आंदोलन के लोग होते थे, क्रांतिकारियों की संख्या जिस गांव में ज़्यादा होती थी। तो अंग्रेजों की सरकार क्या किया करती थी, उस गांव को चारों तरफ से घेर कर खाने पीने की वस्तुएं वहां जाना बंद करवा देते थे और खाने पीने का सामान 15 दिन 20 दिन महीने भर नहीं आया किसी गांव में तो लोग फिर भूख से मर जाते थे। अंग्रेजों ने कई बार भारत देश में ऐसे हालात पैदा किए कि लाखों लोग भूख से मर गए। 18 बार इस देश में अंग्रेजों ने ऐसी स्थिति पैदा की कि लाखों लोग भूख से मरे। तो अंग्रेजों की नीतियों के कारण जो भूख से मरे, अंग्रेजों की पुलिस के अत्याचार से जो मरे, ऐसे क्रांतिकारियों की संख्या मैंने बताया 4.5 करोड़ है। और ये 4.5 करोड़ उस समय की संख्या है जब भारत की आबादी 20-22 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, माने देश की आबादी का 25% हिस्सा अंग्रेजों की दुर्नीतियों का, अंग्रेजों की निरंकुशता का, अंग्रेजों के अत्याचार का शिकार हुई। 7,32,780 क्रांतिकारी तो सीधे शहीद हुए, जिनको प्रत्यक्ष रूप से हम जानते हैं, उसके अलावा परोक्ष रूप से हुए। तो इतनी बड़ी संख्या में शहादत देकर ये देश आज़ाद हुआ है। कोई देश की आज़ादी इतनी कीमती नहीं होगी जितनी भारत की है। इस देश की आज़ादी की कीमत अगर आपको जाननी हो, समझनी हो, तो उन क्रांतिकारियों के परिवार के लोगों से पूछिए जाकर जिन्होंने किसी न किसी को खोया है इस आज़ादी की लड़ाई। अगर हम कभी हमारे देश में ऐसे परिवारों में जाएं जिनके परिवार के लोग शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में और उनका दर्द सुने,
तो पता चलेगा कि आजादी की कीमत कितनी है। अमर शहीद तांत्या टोपे, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर जैसे हजारों लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों के परिवारजनों को जो दर्द है दिल में, वो दर्द आजादी की कीमत बयान करता है। हमारे देश में आजादी के लिए अपने को न्योछावर करने वाले, अपना सर्वस्व लुटाने वाले ये जो क्रांतिकारी थे, इनका कोई सपना था, इनका कोई आदर्श था, देश की आजादी को लेकर उन्होंने कुछ सोचा था कि आजादी आएगी तो क्या होगा और देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। उन सपनों को, उन आदर्शों को जब हम देखते हैं तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है कि किसी भी शहीद का एक भी सपना इस देश की आजादी के बाद पूरा नहीं हुआ। हमारे देश की जो सत्ता व्यवस्था है उसने इस देश को ऐसी दिशा में चलाया कि एक भी शहीद का सपना इस देश में पूरा नहीं हो पाया। कभी कभी तो उससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि गुलामी की जिन निशानियों के खिलाफ हमारे शहीद लड़ रहे थे, क्रांतिकारी लड़ रहे थे, आजादी के बाद भी गुलामी की वो निशानियां इस देश में बाकी हैं, उनको भी हम मिटा नहीं पाए। जैसे अपने देश के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की पुलिस के खिलाफ जितने भी संघर्ष किए, वो सारे संघर्ष में जो क्रांतिकारी शहीद हुए तो वो पुलिस के अत्याचार का दुष्परिणाम था। और पुलिस का अत्याचार जो होता था वो एक कानून के आधार पर होता था, उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये इंडियन पुलिस एक्ट नाम का कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1860 में। 1857 में जब क्रांति हुई इस देश में तो उस समय अंग्रेजों की हालत खराब हुई थी। पूरे देश के 350 स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी और अंग्रेज उसमें हार गए थे। 1857 की क्रांति के जो दस्तावेज इस देश में हैं वो ये बताते हैं कि अंग्रेजों की उसमें हार हुई थी, पराजय हुई थी। 10 मई 1857 से क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ में और 1 सितंबर 1857 तक इस देश में एक भी अंग्रेज जीवित नहीं बचा था। भारत के क्रांतिकारियों ने 3,64,000 अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया था, मार डाला था। हमारे देश के साधारण लोगों ने घास काटने वाले हसिये से अंग्रेजों के सिर काट दिए थे। पशुओं को चारा काटने वाला जो गणासा होता है उससे अंग्रेजों के सिर काटे थे। भाला, तलवार, तीर, कमान, लाठियां, इन अस्त्रों का उपयोग करके भारतवासियों ने अंग्रेजों को मार डाला था। इतना गुस्सा भारत के लोगों में पैदा हुआ था 1857। इस 1857 की क्रांति में करोड़ों भारतवासियों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था और अंग्रेज मारे गए थे इसमें। अंग्रेज जब हारे तो हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। कई भारत के राज्य अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए थे। उस जमाने में भारत में 565 राज्य होते थे, अभी जैसे 31 राज्य हैं, उस समय 565 राज्य हुआ करते। इस समय भारत का जो एक एक जिला है वो उस समय एक एक राज्य की हैसियत का हुआ करता था। भोपाल एक राज्य था, नरसिंहगढ़ एक राज्य था, इसी तरह से हमारे देश में उज्जैन एक राज्य था, इसी तरह से रतलाम एक राज्य की हैसियत का था। हमारे देश में एक एक जिला जो आज है, 1857 में एक एक राज्य था। ऐसे सभी राज्य जिनकी संख्या 565, वो गुलामी से आजाद हो गए थे, अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया था, क्योंकि अंग्रेज मारे गए थे, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था। तो अंग्रेजों की संसद में एक बहस हुई थी और बहस इस बात की हुई थी कि दोबारा भारत पर कब्जा कैसे किया जाए। एक बार तो हार गए अंग्रेज, दोबारा वो आना चाहते थे इस देश। कारण क्या था? भारत में धन और संपत्ति उन्हें लूटना था, जो बहुत अधिक मात्रा में था,
और इंग्लैंड उस समय दुनिया का सबसे गरीब देश था। जब अंग्रेज सबसे पहली बार इस भारत में आए थे तो इंग्लैंड में भूखमरी की हालत थी, और इंग्लैंड का इतिहास जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड में 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे, जो इंग्लैंड की आबादी का 50% था। इतने बड़े पैमाने पर किसी देश में भूख से लोग मरे हों तो स्पष्ट है कि वहां गरीबी बहुत होगी, बेरोजगारी बहुत होगी। तो इंग्लैंड में बहुत गरीबी थी, बहुत बेरोजगारी थी। आपको सुनकर हैरानी होगी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इंग्लैंड के अधिकांश लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं थे, वो पशुओं को मारकर उसकी छाल लपेटकर रहा करते थे। कपड़े बनाना अंग्रेजों को नहीं आता था, क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए जो कपास पैदा होती है वो उनके देश में नहीं होती थी, तो कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, खाने को रोटी नहीं थी। इंग्लैंड के खेतों में कुछ उत्पादन नहीं होता था, क्योंकि वहां साल में 6 से 8 महीने बर्फ पड़ती है, और खेतों में बर्फ जमी रहती है तो घास का तिनका भी नहीं उग सकता, तो खेती नहीं होती थी, उत्पादन कुछ नहीं था। जंगलों के जानवरों को मार के उनका मांस खा के उनकी जिंदगी गुजारते थे अंग्रेज, और खर्च के लिए थोड़े पैसे की जरूरत है, धन संपत्ति की जरूरत है, तो कारखाने उनके यहां थे नहीं, उद्योग धंधे चलते नहीं थे, क्योंकि कारखाने और उद्योग उसी देश में चल सकते हैं जिस देश में कारखाने चलाने के लिए कच्चा माल पैदा होता हो। अगर मान लीजिए आपको कपड़ा बनाने का कारखाना चलाना है तो सूत तो होना चाहिए, तभी तो कपड़ा बनेगा, और सूत होने के लिए कपास होनी चाहिए, कपास होने के लिए खेती होनी चाहिए, खेती होने के लिए मिट्टी होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। पत्थर में खेती नहीं होती है, मिट्टी में होती है। अब इंग्लैंड देश का जो खेत है वहां पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी तो बहुत कम है, और जहां मिट्टी है वहां बर्फ पड़ी रहती है, साल में 6-6 महीने बर्फ जमी रहती है, तो कुछ उगता नहीं उनके देश में ज्यादा, तो खेती नहीं है, तो उद्योग नहीं थे, उद्योग नहीं तो व्यापार नहीं हो सकता, और उद्योग व्यापार नहीं तो आमदनी का जरिया नहीं है कोई। तो अंग्रेजों की आमदनी किस बात से होती थी, आपको सुन के हैरानी होगी। 1000 साल अंग्रेजों की आमदनी का मुख्य रास्ता था लूटपाट करना। अंग्रेजों के नागरिक छोटे छोटे समूह बनाते थे जिसको वो कंपनी कहा करते थे, वो कंपनी लूटपाट किया करते थे। अंग्रेजों के देश के नजदीक से समुद्र गुजरता है, उस समुद्र में पानी के जहाज आते जाते थे व्यापार करने के लिए, उन जहाजों को लूटने का काम अंग्रेज किया करते, और उस लूट के पैसे से उनकी जिंदगी चला करते थी। ये लूटपाट करने वाली जो कंपनियां थी उन्हीं में से एक थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया, जिसको लूटखोर अंग्रेजों ने बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैनेजमेंट था, आज की भाषा में कहें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें सारे लुटेरे और चोर लोग ही थे, बड़े बड़े लुटेरे, जिनको आजकल हम हिंदुस्तान में कहते हैं ना माफिया लोग, तो माफिया लोगों ने मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। कोई अच्छे लोगों की कंपनी नहीं थी, वो भले लोगों की कंपनी नहीं थी, लूटखोर लोगों ने, डकैतों ने, चोरों ने मिलकर एक कंपनी स्थापित कर ली थी ईस्ट इंडिया। और इंग्लैंड के राजा के साथ उन्होंने एक समझौता किया था, इंग्लैंड के राजा को ये कहा कि हमको एक चिट्ठी लिख दो आप, और चिट्ठी में ये लिख दो कि ये कंपनी इंग्लैंड की अधिकृत कंपनी है, तो बदले में हम जो भी लूटेंगे उसका एक बड़ा हिस्सा आपको दे देंगे। इंग्लैंड का राजा भी गरीब था, उसको भी पैसे चाहिए, तो उसने एक चिट्ठी लिख के दे दी। उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी, ये हमारा अथॉरिटी लेटर है, लूटने का लाइसेंस है ये। तो वो चिट्ठी लेके निकले और भारत में घुस गए,
क्योंकि भारत में उनको मालूम था कि धन और बहुत है, संपत्ति बहुत है। भारत में कई बार अंग्रेज आके जा चुके थे, शुरू में फ्रांसीसी आए थे, यहाँ डच लोग आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे, और सबने भारत के बारे में एक ही बात कही थी कि सोने की चिड़िया है, बहुत धन है इस देश में, बहुत संपत्ति है इस देश में। तो अंग्रेजों को ये मालूम हो गया कि धन संपत्ति बहुत है, इसलिए वो इस देश में घुसे। यहाँ के एक राजा से उन्होंने लाइसेंस ले लिया, उस राजा का नाम था जहांगीर, और उसने भी लाइसेंस दे दिया, और उस लाइसेंस के आधार पर अंग्रेजों ने लूटमार करना शुरू किया। सबसे पहले सूरत में लूटमार की उन्होंने, गुजरात, फिर सूरत के आसपास नवसारी, बड़ोदरा में की। धीरे धीरे लूटमार बढ़ती गई, पूरे गुजरात में फैल गई, फिर भारत के अलग अलग स्थानों में फैल गई, और अंग्रेजों को लूटमार में इतना धन मिलने लगा कि उनके मन में लालच आ गया कि इस भारत में इतना धन है, इतनी संपत्ति है, तो यहां परमानेंट कब्जा कर लो। और जब उनके मन में ये लालच आ गया कि यहां कब्जा कर लेना है, हमेशा यहां पर अपनी सरकार बना के लूटमार करनी है, तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनाई इस देश में। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई लूटमार करने, फिर उसकी सरकार बनी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार 100 साल तक चली, 100 साल खूब लूटा उन्होंने। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि अब अंग्रेजों की संसद की सरकार बनाओ इस देश में, तो अगले 100 साल के लिए फिर संसद की सरकार चली, तो 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार, 100 साल अंग्रेजों की संसद की सरकार, और उसके पहले की लूटमार, कुल मिलाकर 250 साल उन्होंने इस देश को लूटा और धन संपत्ति सारा ले जाकर लंदन में जमा किया। अंग्रेजों ने जो लूटा इस देश को, तब उनकी हालत थोड़ी सुधरना शुरू हुई और उनकी गरीबी दूर हुई। अंग्रेजों के इतिहासकार ये बात कहते हैं कि अगर उन्होंने भारत में आकर लूटमार नहीं की होती तो इंग्लैंड देश तो भूख से ही मर गया होता। भारत आए, धन संपत्ति लूटा, पैसे इकट्ठे हुए, तब इंग्लैंड जिंदा रहा। और इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति हुई, जिसको आप इतिहास में पढ़ते हैं, उस औद्योगिक क्रांति का सारा पैसा भारत की लूट से गया। कितना लूटा इन अंग्रेजों ने भारत को, एक उदाहरण देता हूं आपको। एक अंग्रेज था इस देश में, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। बचपन में आपने इतिहास की किताब पढ़ी होगी तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपने जरूर सुना होगा। प्लासी का एक युद्ध हुआ इस देश में 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव उस प्लासी के युद्ध को लड़ने के लिए आया था, और उसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना को हराया था, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। दस्तावेज कुछ दूसरी बात बताते हैं। कोई किसी को युद्ध में कब हरा सकता है? जब युद्ध हो। दस्तावेज बताते हैं कि प्लासी के मैदान में तो युद्ध हुआ ही नहीं, तो फिर कैसे हरा दिया उसने? प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ, समझौता हुआ। अंग्रेजों का जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से एक समझौता किया। समझौता ये था कि मीर जाफर युद्ध नहीं लड़ेगा, अपनी पूरी सेना के साथ अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करेगा। किस खुशी में? अंग्रेजों ने मीर जाफर को वायदा किया था कि तुम अगर आत्मसमर्पण कर दोगे बिना युद्ध लड़े, तो हम तुमको बंगाल का राजा बना देंगे। मीर जाफर उस समय बंगाल का रक्षा मंत्री था और वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था। अंग्रेजों ने उसको वायदा कर दिया कि तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे, तुम हमारे साथ समझौता कर लो, युद्ध मत लड़ो, अपनी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दो। मीर जाफर बहुत लालची आदमी था, कुर्सी का, और लालच था उसको पैसे का। उसको ये लगा कि मैं राजा बनूंगा, सारा धन मेरा हो जाएगा, कुर्सी भी मिल जाएगी, तो वो मान गया और उसने अंग्रेजों के साथ एक समझौता कर लिया जिसमें युद्ध नहीं लड़ना है,
अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना है। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में यही हुआ। सिराजुद्दौला की फौज का सेनापति मीर जाफर 18,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने उनको बंदी बना लिया और घोषणा कर दी कि हमने युद्ध जीत लिया, युद्ध तो हुआ ही नहीं, वहां तो आत्मसमर्पण हुआ। और उस आत्मसमर्पण ने एक शर्मनाक अध्याय इस देश में शुरू कर दिया। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार उसी दिन से शुरू हो गई। जब उनकी सरकार बन गई बंगाल में, थोड़े दिन उन्होंने मीर जाफर को प्रधानमंत्री बना के रखा, लेकिन वो अंग्रेजों ने बनाया, भारतवासियों ने नहीं। तो मीर जाफर अंग्रेजों का गुलाम था। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर की हत्या कर दी। अंग्रेजों का कहना था कि जो आदमी अपने लोगों से गद्दारी कर सकता है वो अंग्रेजों से भी करेगा। तो मार डाला एक दिन मीर जाफर को, और अंग्रेज सीधे उस राज्य के मालिक हो गए। फिर लूटा उन्होंने, जी भर के लूटा बंगाल को। तो कलकत्ता को लूटा इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। 7 साल लगातार लूटता रहा। उसके लूटने का तरीका क्या था, किसी भी घर में घुसना पुलिस के साथ, फौज के साथ, और जितना भी सोना चांदी उस घर में है सब लूट के ले जाना। अगर घर वाले विरोध करें उनको गोली से मार देना। चुपचाप अगर अपना सामान दे दें तो अच्छा है, विरोध करें तो मार देना। ये तरीका था उनका। कभी कभी वो छोटे छोटे राजाओं के घर में चले जाते थे, महल में, और वहां जो धन संपत्ति है उसको लेके आते थे। 7 साल रॉबर्ट क्लाइव ने ये धंधा किया। जितना माल इकट्ठा हुआ वो लेके लंदन गया। तो लंदन में उसको पूछा गया संसद में कि तुम भारत से कितना धन लेके आए हो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि कितना धन है ये मुझे भी नहीं मालूम है। उसको कहा गया कि मालूम क्यों नहीं, तो उसने कहा गिना नहीं मैंने, गिनने की फुर्सत नहीं है, बहुत सारा धन है, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात। तो फिर अंग्रेजों के राजा ने पूछा कि कुछ तो अंदाजा बताओ। तो उसने कहा आप अंदाजा लगाना चाहते हो तो ऐसे लगाओ कि कलकत्ता से धन लूटकर जो मैं लाया हूं उसको लंदन लाने के लिए पानी के 900 जहाज लगे। एक पानी के जहाज में उस समय 70 मीट्रिक टन माल आता था, और 1 मीट्रिक टन में 1,000 किलोग्राम होते हैं। माने एक पानी के जहाज में 70,000 किलोग्राम सामान आता था। ऐसे 900 जहाज भर के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, ये एक अंग्रेज लूट के ले गया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उससे कहा गया कि तुम इस धन का मूल्य निकालो, कितना मूल्य है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि जितना धन मैं लाया हूं वो लगभग, एक बार यार सेट कर दो ना इसको, क्या समस्या है, बार बार ये क्यों सीटी बजा रहा है, थोड़ी साउंड कम कर दो। रॉबर्ट क्लाइव को जब पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि इसका अंदाजा बताओ ये धन है कितना, तो उसने संख्या जो बताई वो मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि 1,000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। 1,000 माने 1,000, मिलियन का माने 10 लाख, तो 1,000 × 10 लाख स्टर्लिंग पाउंड। और ये उसने बताया था 1763 में। अब 1763 से सन 2009 आ गया, अगर आज के हिसाब से इसको निकाला जाए तो ये कितना धन निकलता है। उस जमाने का एक स्टर्लिंग पाउंड आज के जमाने के करीब करीब 300 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर है, अवमूल्यन होने के कारण। और एक स्टर्लिंग पाउंड में लगभग 85 रुपए हैं। तो ये धन निकलता है 1,000 × 10 लाख × 300 × 85, इतना।
1000 गुणा 10 लाख गुणा 300 गुणा 85। अगर इसको आप निकालेंगे तो ये धन करीब करीब 24 लाख करोड़ रुपए के आसपास आज के हिसाब से। इतना संपत्ति और इतना धन एक अंग्रेज ने लूटा इस देश में से, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और ये रॉबर्ट क्लाइव अकेला लुटेरा नहीं था, इसके आगे पीछे बहुत लोग आए। रॉबर्ट क्लाइव गया लूटने के बाद तो वॉरेन हेस्टिंग्स आ गया, उसने लूटा फिर इस देश को 8-10 साल तक। फिर वो चला गया तो एक तीसरा आ गया कर्जन, उसने लूटा इस देश को। फिर कर्जन चला गया तो विलियम वेंटिंग आ गया, उसने लूटा। फिर वो चला गया तो डलहौजी आ गया, उसने लूटा। फिर डलहौजी के बाद लॉरेंस आया, उसने लूटा। फिर ऐसे करते करते 84 अंग्रेज गवर्नर जनरल आए जिन्होंने इस देश को लूटा। आखिरी लुटेरा जो अंग्रेज था इस देश में वो माउंटबेटन था। तब तक ये देश लुटता ही रहा। परिणाम क्या हुआ? लगातार कोई देश अगर सालों साल लूटेगा, उसका धन संपत्ति कोई लेके जाएगा, तो वो देश गरीब और कंगाल हो ही जाएगा। तो भारत की गरीबी इस लूट के कारण हुई, वरना भारत गरीब देश नहीं था। क्योंकि भगवान ने हमको गरीब नहीं बनाया। दुनिया में भारत जैसा देश नहीं है। इस देश की संपत्ति और समृद्धि का अंदाजा आप लगाना चाहें तो सारे भारत देश में करोड़ों हेक्टेयर जमीन है जिस पर 4 फसल होती है, दुनिया में कहीं नहीं होती। हम भारत की जमीन में गेहूं का 1 दाना डालते हैं, उस 1 गेहूं के दाने में से लगभग 100 गेहूं के दाने निकल आते हैं, कभी कभी 125 निकल आते हैं। अब 1 गेहूं का दाना डालकर 100 गेहूं दाने पैदा हों, इतना उत्पादन तो कहीं नहीं होता जो इस देश की मिट्टी में होता है। बाजरे का 1 दाना डाल दो, 400-500 बाजरे के दाने पैदा हो जाते हैं। मक्के का 1 दाना डाल दो, 100 से 125 मक्के के दाने पैदा हो जाते हैं। इस देश में उत्पादन इतना जबरदस्त होता है। आलू का थोड़ा सा फसल लगा दो, 20-25 किलो आलू, तो हजारों टन आलू पैदा हो जाता है। टमाटर का 1 पौधा लगा दो तो उसमें किलो किलो टमाटर आ जाता है। लौकी का 1 बीज डाल दो तो 100 से 150 लौकी टूटती है उस 1 बेल पर। टिंडा है, भिंडी है, माने उत्पादन इस देश में इतना जबरदस्त है, क्योंकि खेत की मिट्टी सबसे अच्छी है और पानी की व्यवस्था अच्छी है, इसलिए खेत में बहुत पैदा होती है। दुनिया के किसी देश में नहीं होता, उतना हमारे देश में होता है। इसलिए ये देश में समृद्धि तो होने ही वाली है। जिस देश के खेतों में उत्पादन अच्छा होगा वहां कारखाने भी चलेंगे, क्योंकि कच्चा माल है तो कारखाने आप चला सकते हैं। पक्का माल बनाए, कारखाने का माल बेच के लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा सकते हैं। तो भारत के खेतों के उत्पादन के कारण, अच्छी मिट्टी के कारण इस देश में समृद्धि बहुत रही। और वो समृद्धि में जो माल पैदा हुआ वो हम बेचते रहे दुनिया भर के बाजार में। 3000 साल भारत का माल दुनिया में बिकता था, उससे भारत इतना पैसे वाला, इतना समृद्धशाली देश हुआ कि इसको सोने की चिड़िया लोग कहा करते। ये रॉबर्ट क्लाइव जब घरों में लूटने के लिए जाता था तो उस समय का वो अपनी डायरी में कुछ लिखा करता था कि मैंने कितने घर लूटे, क्या क्या संपत्ति लूटी। तो उसकी डायरी के कुछ पन्ने मैंने पढ़े हैं, उनकी फोटोकॉपी भी मेरे पास है। उसमें वो कहता है कि जिस घर में भी मैं घुसा वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता था जैसे चने का ढेर लगा रहता। अब सोने के सिक्कों का ढेर इस देश के घरों में रखा हो, चने के ढेर की तरह, गेहूं के ढेर की तरह, तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना सोना रहा हो। तब एक दिन मेरे समझ में आया कि जिस देश में सोना इतना ज्यादा रहा हो तभी तो सोने के मंदिर इस देश में बने, वरना दुनिया के किसी देश में क्यों नहीं बने। भारत अकेला देश है जहां सोने के मंदिर हैं।
दुनिया में कहीं सोने की मस्जिद नहीं है, सोने का गिरजाघर भी नहीं है, भारत में सोने के मंदिर हैं, और एक नहीं है, हजारों हैं। आप तो एक जानते हैं, मैं किसी से भी पूछता हूं कितने सोने के मंदिर हैं भारत में, तो वो कहता है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, फिर दूसरा याद ही नहीं किसी को, मालूम ही नहीं। मैंने एक बार अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं उसमें से निकाल निकाल के सूची बनाई, 13,780 सोने के मंदिर हैं इस। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक है, ऐसे ही गुरुवायूर का स्वर्ण मंदिर है, ऐसे ही हमारे देश में तमिलनाडु के तंजावुरम में सोने का मंदिर है, हमारे देश में तिरुपति बालाजी सोने का मंदिर है, हमारे देश में वैष्णो देवी सोने का मंदिर है, ऐसे 13,780 सोने के मंदिर। एक सोने का मंदिर तो इस देश का इतना जबरदस्त रहा सोमनाथ का, कि उस एक मंदिर को लूटने के लिए 17 साल एक विदेशी आता रहा, महमूद गजनवी, तो भी पूरे मंदिर को लूट नहीं पाया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा था, फिर भी धन संपत्ति बचा रह गया, उसको लूटने के लिए 18वीं बार फिर आया, रास्ते में मर गया, इसलिए लूट नहीं पाया, वरना फिर लूटता। एक ही मंदिर को लूटने में 17 साल लग गए उसको, ऐसे अद्भुत स्वर्ण मंदिर इस देश में। अब मैंने एक दिन सोचा कि किसी देश में सोने के मंदिर कब बनाए जाएंगे, जब लोगों के पास बहुत सोना हो जाए तभी ना, इतना सोना लोगों के पास इकट्ठा हो जाए कि उसका इस्तेमाल करते करते लोग थक जाएं, परेशान हो जाएं, तो सोने का दान करेंगे तो उस दान में से मंदिर बनेंगे, यही तो होता है ना। तो हमारे लोगों के पास इतना धन संपत्ति रहा कि सोने का दान कर करके हमने मंदिर बनाए। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इस देश में राजाओं ने मंदिर नहीं बनाए, लोगों ने मंदिर बनाए। राजाओं के मंदिर नहीं है इस देश में, लोगों के बनाए हुए मंदिर। राजाओं ने तो बस इतना किया था कि लोगों ने जो पैसा दान दिया वो राजाओं ने अपने कोष में सुरक्षित इकट्ठा रखा और मंदिर बनवा दिया, पैसे राजाओं ने नहीं दिए मंदिर बनाने के, पैसे जनता के थे सारे। ये बहुत महत्व की बात है इस देश में। तो इतना धन संपत्ति जिस देश में रहा हो वहां अंग्रेजों ने आकर लूट की है, और वो लूट 250 साल तक चली, और उसमें हमारा देश कंगाल हो गया, भिखारी हो गया, गरीबी आ गई हमारी। ये गरीबी जो आज इस देश में दिखाई देती है ये अंग्रेजों की लूट का दुष्परिणाम है। जब भी किसी देश की सैकड़ों सैकड़ों साल तक लूट होगी वो देश गरीब और गरीब और गरीब ही होता चला जाएगा। मैं एक अंग्रेज की आपको कहानी सुनाता हूं, उसका नाम था मैकॉले, टीवी मैकॉले। वो भारत आया, 17 साल भारत में रहा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह गया। भारत में उसने जब प्रवास किया, उसने घूमा, फिर लौट के लंदन गया। लंदन की पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को उसने एक भाषण दिया, बहुत जोरदार भाषण है उसका। जैसे अपने नेता लोकसभा में भाषण देते हैं ऐसे ही वहां होता है लंदन। तो मैकॉले भाषण दे रहा है और क्या कह रहा है मैं सुनाता हूं आपको, अंग्रेजी में ही सुनाता हूं फिर हिंदी करूंगा उसका। वो कहता है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन ए सिंगल बैगर इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है मैं भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह घूमा, 17 साल घूमा वो इस देश में, और कहता है मेरे 17 साल के भारत के प्रवास में मैंने कभी एक भिखारी को भीख मांगते भारत में नहीं देखा। अब कोई आदमी 17 साल घूमे, इस पूरे भारत की परिक्रमा करे और उसको एक भिखारी नहीं मिला पूरे देश में, इसका माने इस देश में कोई भिखारी होता ही नहीं था। भिखारी कोई कब होता है, जब गरीब होता है। यहां कोई गरीब ही नहीं था तो भिखारी नहीं था।
फिर आगे वो कहता है मेरे को ले, एंड आई हैव नेवर सीन ए अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया, एक भी बेरोजगार नौजवान मैंने भारत में नहीं देखा, हर व्यक्ति इस देश में किसी ना किसी रोजगार में लगा हुआ है, कोई बेरोजगार इस देश में नहीं है। माने देश में उद्योग धंधे और व्यापार का इतना अच्छा माहौल था कि कोई खाली हाथ रह ही नहीं सकता था। फिर आगे वो कहता है आई हैव नेवर सीन ए लॉक ऑन द डोर ऑफ इंडियन हाउस, वो कहता है भारत के घरों पर मैंने कभी ताला लगाते किसी को नहीं देखा, कोई ताला नहीं लगाता भारत। और वो भाषण में कहता है कि ताला होता क्या है इनको मालूम ही नहीं भारतवासी, क्यों? वो कहता है चोरी नहीं होती इस देश में, कोई चोर ही नहीं है इस देश में। अब चोरी होती नहीं, कोई फिर आगे कहता है वो कहता है इतना धन और संपत्ति इस भारत के पास है, हम कभी भी इस देश को गुलाम नहीं बना सकते। सच हाई मॉरल वैल्यूज आई हैव सीन इन दिस कंट्री इंडिया, वो कहता है नैतिकता में इतने ऊंचे मूल्य हैं भारत के कि हम अंग्रेज कभी सोच ही नहीं सकते इस भारत देश के बारे में। 3.5 घंटे का उसका भाषण है और वो ऐसी बहुत सारी बातें बोल रहा है। वो कहता है भारत में कोई शराबी नहीं है, भारत में कोई जुआरी नहीं है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, कोई शराब नहीं पीता, क्योंकि भारतवासी मानते हैं कि शराब पीना बीड़ी सिगरेट पीना पाप है, इसलिए कोई नहीं पीता है। कोई मांस नहीं खाता इस देश में, क्योंकि भारतवासी मानते हैं कि मांस करना मांस खाना वो भी पाप है। तो ऐसा बहुत लंबा वर्णन वो भारत का करता है। अब ये वर्णन कब का है? सन 1835 का। आज से अगर हिसाब लगाएं तो 165 साल पुराना या 175 साल पुराना। तो 175 साल पहले भारत अगर इतना पैसे वाला देश था, इतना समृद्धशाली देश था कि यहाँ कोई भिखारी नहीं, यहाँ कोई बेरोजगार नहीं, यहाँ कोई चोर नहीं, यहाँ कोई शराबी नहीं, कोई जुआरी नहीं, तो कितना सुंदर कितना अद्भुत भारत रहा होगा। फिर इस भारत में 175 साल में क्या हो गया जो हम इतने गरीब हो गए? भिखारियों की लंबी लाइन अब इस देश में है, बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज है इस देश में, व्यसन करने वाले, शराब पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, मांस खाने वाले लगातार इस देश में बढ़ते गए। तो वो सबका एक ही उत्तर है कि पिछले 175 साल में इतना लूटा है अंग्रेजों ने, इतना लूटा है कि कुछ बचा ही नहीं अब इस देश में। तो लोग भिखारी हो गए, गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए, मुफलिसी का शिकार हो गए, भुखमरी का शिकार हो। ये लूट हुई इस देश की, जिसके कारण ये देश इतनी बुरी स्थिति में आ गया। अब मैं आपको थोड़े आंकड़ों की बात करूं। जब ये मैकॉले भारत में घूम रहा था उस समय एक भी गरीब नहीं था। जब अंग्रेजों ने 175 साल इस देश को लूटा तो इस देश में 4.5 करोड़ लोग गरीब हो गए और उस समय हमारी कुल आबादी थी 20 करोड़। तो 20 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ गरीब हो गए, इसका माने 25% लोग देश के गरीब हो गए। तो हमारे क्रांतिकारी क्या कहते थे कि अंग्रेजों की ये लूट हो रही है, धन और संपत्ति इंग्लैंड जा रहा है, तो भारत में गरीबी आ रही है, तो भारत की गरीबी को रोकना है, खत्म करना है, तो अंग्रेजों की लूट को बंद करना पड़ेगा। और अंग्रेजों की लूट जब बंद होगी तभी भारत अमीर और समृद्धशाली बनेगा। तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ फिर आंदोलन किया और उस आंदोलन में सफलता मिली। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से चले गए। तो हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान किए, अपना जीवन लगाया, सारा तन मन धन देश के लिए न्यौछावर किया, तो अंग्रेज भारत से चले गए, देश की लूट बंद हो जाएगी, क्रांतिकारियों ने ऐसा सपना देखा।
अब मुझे आज की कहानी आपसे कहनी है। ये तो भूतकाल हो गया भारत का, वर्तमान में देश का क्या हाल है इसको जरा देखा जाए, समझा जाए। तो वर्तमान की स्थिति ये है कि जब अंग्रेज भारत से गए थे तो 4.5 करोड़ गरीबों को छोड़कर गए थे इस देश में। अब अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद इस देश में 84 करोड़ लोग गरीब हैं, जो भूखमरी के शिकार हैं। हमारे देश की जो सरकार है ना, दिल्ली से जो चलती है, जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, इस केंद्र सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री व्यक्ति को इस बात के लिए जिम्मेदारी दी थी कि भारत में गरीबों के बारे में अध्ययन करो, अभ्यास करो और सरकार को बताओ कि कितने गरीब हैं। इस देश के जो अर्थशास्त्री ने ये काम किया उनका नाम है अर्जुन सेन गुप्ता, बंगाल के रहने वाले हैं, बहुत बड़े विद्वान। इन्होंने 5 साल अध्ययन किया, अध्ययन करके एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट का नाम है अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जब संसद में पेश की गई तो मेरे जैसे आदमी को भी मिल गई पढ़ने को। मेरे कुछ मित्र हैं जो सांसद हैं, उनसे मैंने कहा रिपोर्ट मुझे भी दे दो, पढ़नी है। तो मैंने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे धक्का लगा कि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारत में गरीबों की संख्या अब 84 करोड़ हो गई है और ये 84 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी भयंकर है कि एक व्यक्ति एक दिन में 20 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। 84 करोड़ लोग ऐसे, इन 84 करोड़ में 50 करोड़ तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 15 रुपए खर्च नहीं कर सकते, 25 करोड़ तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 10 रुपए खर्च नहीं कर सकते, और 10 से 15 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जो एक दिन में 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। अब मन में प्रश्न आता है कि अंग्रेजों ने तो भारत को लूटा इसलिए ये देश गरीब हो गया, अंग्रेजों के जाने के बाद किसने लूटा इस देश को जो ये देश गरीब हो गया? मन में ये प्रश्न आता है। तो हम लोगों ने भी अभ्यास करना शुरू किया तो पता चला कि अंग्रेजों ने लंदन से आकर इस देश को लूटा और गरीब बना दिया। अब आजादी के बाद काले अंग्रेजों ने इस देश को लूटा और इस देश को भयंकर गरीब बना दिया। आजादी के बाद इसी देश में काले अंग्रेज पैदा हो गए, उन्होंने इस देश को लूट लूट कर गरीब बना दिया। आप बोलेंगे ये काले अंग्रेज कौन हैं? ये सब वो काले अंग्रेज हैं जिनको आप नेता कहते हैं इस देश का। नेता वही है जो लेता ही लेता है, देता कभी कुछ नहीं। भिखारी की हालत है लेकिन करोड़पति भिखारी, हर समय दे दो दे दो दे दो, कभी वोट मांगेगा, कभी नोट मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा, कभी देने की बात नहीं, हमेशा लेना ही लेना। नेताओं ने लूटा पिछले 62 साल में इस देश को। फिर हम लोगों ने अंग्रेजों के बारे में जैसे दस्तावेज इकट्ठे किए, रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने लूटा, कर्जन ने लूटा, वो सब आंकड़े सब दस्तावेज हमने इकट्ठे किए हैं, जमा किए हैं। ऐसे ही हमने 62 साल आजादी के बाद भारत के नेताओं ने जो लूटा उसके भी दस्तावेज इकट्ठे किए, उसके भी आंकड़े इकट्ठे किए, और इन दस्तावेजों में एक दो नहीं हजारों नाम है। इस देश में कई नेताओं की हमने जन्म कुंडली बनाई है। जन्म कुंडली से मतलब क्या है? उन्होंने नेतागिरी शुरू करने के पहले क्या धन और संपत्ति घर में जुटाया और नेतागिरी में आने के बाद कितना हो गया। जब वो इस देश में सांसद बने, विधायक बने या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पार्षद बने तो कितना पैसा था और बनने के बाद कितना हो गया,
तो कुछ नेताओं की सूची बनी है, उनमें अभी तक 480 नाम 420 नाम इकट्ठे हुए हैं। इन नेताओं के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, नाम कुछ दिनों के बाद आपको मैं बताऊंगा, अभी आप इतना जान लो कि एक एक नेता के पास 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं थी चलाने को, खाने को घर में कुछ नहीं था, इतना भी पैसा नहीं था उनके पास कि अपनी जेब से 2 रुपए खर्च करके चाय पी सकें, चाय भी उधार की पीते थे, भाई चाय पिला दे चाय पिला दे, दूसरों की जेब से निकाल निकाल के चाय पीने वाले, दूसरों की जेब से पैसे निकाल के बस का किराया देने वाले, दूसरों की जेब का पैसा निकाल कर रेल में चलने वाले, टूटी साइकिल भी जिनके पास नहीं थी संपत्ति के रूप में, अब उन नेताओं में एक एक के पास 20,000 करोड़ की संपत्ति, एक एक के पास 20,000 करोड़। कहां से आया ये, किसने दिया उनको? कभी कभी ये नेता पकड़ जाते हैं, एक पकड़ा गया उसका नाम था सुखराम, याद है आपको, बिस्तर के नीचे गद्दे पर 500-500 के नोटों की गड्डियां बिछा के सोता था। सीबीआई ने जो घर में छापा मारा तो गद्दे के नीचे से 500-500 के नोटों की गड्डियां निकली, और ये तकिया है ना उसमें से निकली, रुई के अंदर छुपा के रखता था तकिए में, गद्दे में रुई के अंदर छुपा के रखता था। उसके ऊपर घर में पानी की एक विशाल टंकी है, तो प्लास्टिक के पॉलीथिन में गड्डियां भर भर के टंकी में फेंकी हुई थी उसने। ये सब धन जब निकला और सुखराम से पूछा गया, भैया ये आया कहां से, तो उसने कहा भगवान ने दिया है। सीबीआई अधिकारी ने कहा भगवान भी बड़ा बेईमान है, जो तुझको ही देता है, ना मुझे देता है, ना इसको देता है, ना इनको देता है। फिर उसने दूसरा बयान बदला, उसने कहा ये मेरी पार्टी का पैसा है, पार्टी वालों ने कहा ये हमारा नहीं है, तो फिर तीसरा बयान बदला और वो बयान ये था कि ये मेरा पैसा है तो तुम्हारे पास कहां से आया, तो घूस से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, इसी में से आएगा और कहां से आएगा। तो अब आजादी के 62 साल में हमारे नेता लूट रहे हैं इस देश को, घूस के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, रिश्वतखोरी से, और लूट लूट के अपने घर भर रहे हैं। ऐसे इस देश में हजारों नेता हैं जिन्होंने 62 साल इस देश को लूट लूट कर इतना गरीब बना दिया है कि अंग्रेज गए थे तो 4.5 करोड़ गरीब थे, अब अंग्रेजों के बाद इस देश में 84 करोड़ लोग गरीब हो गए। गरीबी बढ़ने का एक ही कारण होता है, लूट लूट और लूट। आप बोलेंगे गरीबी बढ़ने का शायद यह भी कारण होता है जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या तो दुनिया में बहुत देशों की बढ़ गई, वो गरीब क्यों नहीं हुए? हम कहते हैं ना जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश में गरीबी बढ़ गई, तो जनसंख्या तो पिछले 50 साल में दुनिया के 200 देशों की बढ़ गई, वो तो गरीब नहीं हो रहे। ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ गई, अमेरिका की बढ़ गई, जर्मनी की बढ़ गई, फ्रांस की बढ़ गई, इटली की बढ़ गई, नॉर्वे की बढ़ गई, बेल्जियम की बढ़ गई, डेनमार्क की बढ़ गई, हॉलैंड की बढ़ गई, इन सब देशों की जनसंख्या बढ़ गई और हमसे ज्यादा बढ़ गई। आप बोलेंगे वो कैसे, मैं आंकड़ों से बताता हूं। भारत की जनसंख्या पिछले 50-60 साल में 3.5 गुनी बढ़ी है। आजादी जब आई थी तो हम 32 करोड़ थे, 33 करोड़, अब हम 115 करोड़ हो गए, तो लगभग 3.5 गुनी जनसंख्या हमारी बढ़ गई, और अमेरिका की जनसंख्या तो 5 गुनी बढ़ गई, जर्मनी की 4.5 गुनी बढ़ गई, फ्रांस की जनसंख्या 3.5 से 4 गुनी बढ़ गई, ब्रिटेन की जनसंख्या 5 गुनी बढ़ गई, दुनिया में तमाम देशों की जनसंख्या हमसे ज्यादा बढ़ गई, लेकिन वो तो गरीब नहीं हो रहे, वो तो अमीर के अमीर और अमीर और अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो हमारे ही देश में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी क्यों आएगी? अगर जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आएगी तो सारी दुनिया में आनी चाहिए, सिद्धांत अगर एक है
तो वो अमेरिका के लिए भारत के लिए एक ही होना चाहिए। उनके यहां तो जनसंख्या बढ़ने से गरीबी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि उनके यहां लूट नहीं होती है। स्पेन नाम का एक देश है दुनिया में, वहां की जनसंख्या हमारी तुलना में 10 गुनी बढ़ गई 50 साल में, लेकिन स्पेन दुनिया का सबसे अमीर देश है इस समय, क्योंकि वहां करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, घूसखोरी नहीं है, रिश्वतखोरी नहीं है। वहां के नेता लूट नहीं सकते, क्योंकि वहां बहुत सख्त कानून है, इसलिए वहां अमीरी बढ़ रही है। तो भारत में लूटखोरी है, रिश्वतखोरी है, हरामखोरी है, इसलिए यहां गरीबी बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ने की बात अगर सच होती तो और एक उदाहरण देता हूं, 3.5 गुनी जनसंख्या बढ़ी तो गरीबी भी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो हम उस समय 4.5 करोड़ थे, अब 15 करोड़ हो जाने चाहिए थे गरीब, 84 करोड़ कहां से हो गए? इसका जवाब नहीं है नेताओं के पास। ये इसलिए हो गए कि लाखों करोड़ों रुपए हर साल लूट लेते हैं इस देश का। आपको याद है इस देश में एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम राजीव गांधी। उन्होंने संसद में कहा था ये कि जब मैं गरीब आदमी के विकास के लिए दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो उस गरीब आदमी के पास 15 पैसा ही पहुंचता है। इसका मतलब 85 पैसे की लूट होती है। 1 रुपए में अगर 85 पैसे की लूट होती है, इसका माने हमारे 85% संसाधनों की लूट होती है। और ये राजीव गांधी ने 1984 में कहा, किसी नेता माई के लाल में दम नहीं थी जो राजीव गांधी के कहे हुए को गलत सिद्ध करे, किसी ने गलत नहीं कहा। और फिर राजीव गांधी के बाद कितने प्रधानमंत्री आए इस देश में, वीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, नरसिम्हा राव आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, देवेगौड़ा आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, और अब मनमोहन सिंह आए। सब प्रधानमंत्रियों को ये सवाल पूछा गया पत्रकारों के द्वारा अनेक अनेक समय पर कि राजीव गांधी की बात से आप सहमत हैं? तो सारे प्रधानमंत्री कहते हैं हां सहमत हैं। अभी के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि राजीव गांधी के समय में 1 रुपया भेजा जाता था तो 15 पैसा पहुंचता था, अब तो 2009 में 1 रुपए में 10 पैसा भी नहीं पहुंचता, अब तो 90 पैसे की लूट हो रही है इस देश में। मन में हमेशा ये प्रश्न आता था, आपको मालूम है ये नेता चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के समय वो एफिडेविट देते हैं ना, तो एफिडेविट में लिखते हैं मेरे पास कार भी नहीं है, मैं तो बेकार हूं। आप कल्पना कर सकते हो, इस देश की सत्ता व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा हुआ कोई नेता एफिडेविट में लिख रहा है मेरा घर नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मैं तो किराए के घर में रहता हूं, मैं तो किराए की कार में चलता हूं। कोई पार्टी का अध्यक्ष ये कहे कि मेरा अपना घर नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, बैंक बैलेंस वाला है ही नहीं इस देश में, और किसी को मौका भी नहीं है लूटने का इस देश में, या तो अधिकारी लूटेगा या तो नेता लूटेगा। तो लूट तो रहा ही है, लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं और घोषणा पत्र देते हैं, एफिडेविट देते हैं, उसमें लगता है कि इनके पास तो कुछ नहीं है, तो है कहां फिर ये? इसको जब हमने खोजना शुरू किया तो पता चला ये सारा पैसा लूट लूट के विदेशी बैंकों में जमा करते हैं, यहां नहीं रखते। यहां रखेंगे तो पकड़ा जाएगा, किसी ना किसी दिन छापा पड़ जाएगा, सीबीआई का हो सकता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हो सकता है। तो बहुत चालाक और हरामी नेता हैं, लूटते तो हैं, ले जाके विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं। फिर हमने खोजना शुरू किया कि विदेशी बैंकों में कितना जमा किया हुआ है, तो स्विट्जरलैंड नाम का एक देश है, वहां की बैंकों ने नेताओं का पैसा रखा हुआ है, वहां 36 बैंकें हैं, जैसे अपने देश में है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक,
कनारा बैंक, ऐसे ऐसे स्विट्जरलैंड में कुछ बैंक हैं, एक का नाम है बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ ज्यूरिख, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसी 36 बैंक हैं। उन बैंकों में नेताओं के खाते खुले हैं, भारत के नेताओं के, उनमें पैसा रखा हुआ है। ये जो 36 स्विट्जरलैंड की बैंक हैं, इनका एक एसोसिएशन है, स्विस बैंक एसोसिएशन उसको कहते हैं। उनकी हर साल एक रिपोर्ट निकलती है, उस रिपोर्ट में वो बताते हैं कि कितना धन उनकी बैंकों में जमा है। तो पिछले साल उनकी रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि भारत के नेताओं का स्विट्जरलैंड की बैंकों में 1,500 अरब डॉलर जमा है, 1,500 अरब डॉलर। अरब, अरब का माने 100 करोड़, 1,500 में 100 करोड़ का गुणा करो, इतने डॉलर, और एक डॉलर में 50 रुपया होता है, तो 1,500 में 100 का गुणा करो और 50 का गुणा करो, इतने रुपए, तो ये रुपए में निकलता है 75 लाख करोड़ रुपए। 75 लाख रुपए नहीं, 75 करोड़ भी नहीं, 75 लाख करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसको कैलकुलेटर में नहीं लिख पाते, कैलकुलेटर फेल हो जाता है। हाँ, सच में कैलकुलेटर फेल हो जाता है, आप लिख के देख लो, मैंने लिखा था। कारण जानते हैं क्या है? कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इस 75 लाख करोड़ को लिखने में 16 अंक लगते हैं, 16। 75 लिखना, फिर 0000000, 14 बार जीरो लगाना, तब 75 लाख करोड़ लिखा जाता। इतना लूट के नेताओं ने स्विस बैंकों में रख लिया। फिर थोड़े दिन बाद एक और जानकारी मिली, स्विट्जरलैंड के अलावा कुछ और देश हैं दुनिया में, एक छोटा सा देश है उसका नाम है पनामा, बहुत छोटा सा, एक छोटा सा देश है उसका नाम है गिनी बिसाउ, बहुत छोटा सा, फिर एक छोटा सा देश है उसका नाम है ट्रिनिडॉड, फिर एक छोटा सा देश है उसका नाम है टोबैगो, ऐसे 70 देश और हैं, वहां भी भारत के नेताओं के खाते खुले हुए हैं। और उन देशों की बैंकों में 35 लाख करोड़ और जमा किए हुए हैं, माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपया भारत के हरामी निकम्मे नेताओं ने लूट लूट कर विदेशी बैंकों में रख लिया। आप बोलो इनको हरामी न कहें तो क्या कहें, इससे अच्छा शब्द है आपके पास तो मुझे बता दो, मैं कहूंगा। इतना लूटा है इस देश को। अब मुझे दर्द इस दिल में यह है कि पहले अंग्रेज लूटते थे, ये देश गरीब हो गया, अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं, तो गरीबी ही आएगी और क्या आएगा इस देश में, बताओ खुशहाली कैसे आएगी, गरीबी ही आएगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस देश की गरीबी अगर मिटानी है तो ये लूट बंद करानी पड़ेगी, नहीं तो ये गरीबी हटेगी नहीं, मिटेगी नहीं। ये कुछ ऐसी कहानी है कि एक घड़ा है आपके पास, उसमें पानी भरो और ये कहो कि घड़ा लबालब भर जाए, ये तभी संभव है जब घड़े में छेद ना हो, और घड़े में बीसियों छेद कर दें, कितना भी तेज नल के नीचे रख दो वो कभी भर ही नहीं सकता, क्योंकि पानी उसमें से निकलता रहता है। देश की लूट अगर ऐसे ही होती रहेगी, देश में कभी अमीरी आ नहीं सकती, गरीबी ही आएगी। इन अधिकारी और नेताओं ने कितना लूटा है इस देश को, मैं कुछ बताता हूं आपको। मैं महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से रहता हूं। महाराष्ट्र में एक नेता है, नाम नहीं लेता मैं उसका, हाँ, क्योंकि मामला थोड़ा गंभीर है, बल्कि आप तुरंत समझ जाएंगे, एक मिनट लगेगा आपको समझने में, नाम नहीं लूं तो भी समझ जाएंगे। वो नेता के घर में 20 साल पहले खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, दूसरों की जेब से पैसे निकाल के बंबई जाता था, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के।
अब उसको मौका मिल गया मुख्यमंत्री बनने का, केंद्र सरकार में मंत्री बनने का। आज उस अकेले नेता के पास बंबई से पूना के बीच की हजारों एकड़ जमीन है एक नेता के नाम से। अरे अब आप क्यों बोल रहे हैं, आपको मालूम ही है कितने होशियार लोग हैं। अब आप अंदाजा लगा लो कि एक नेता के पास बंबई से लेके पूना के सब गांवों की हजारों एकड़ जमीन है एक के पास, कितना लूटा होगा। एक और ऐसे ही नेता है महाराष्ट्र में, 20 साल पहले वो दादर रेलवे स्टेशन पे भाजी बेचता था, पालक बेचता था, मेथी बेचता था, छोटे छोटे गड्ढे बना के बेचता था। आज उसके पास बंबई में 20,000 करोड़ की संपत्ति। एक नेता है नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था 20 साल पहले, आज उसकी 25,000 करोड़ की संपत्ति। इतनी इतनी संपत्ति बनाई है एक एक नेता ने। और ये नेता अकेले नहीं है, अधिकारी भी हैं इस लूट में। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, आपका पड़ोस में, उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी हुआ, उसका नाम अखंड प्रताप सिंह, आईएएस अधिकारी था, चीफ सेक्रेटरी था। उसके घर में जब छापा पड़ा तो 480 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, और सीबीआई ने जब छापा मारा तो ये बताया गया कि ये उसका एक घर है, ऐसे 20 घर और हैं। एक घर में 480 करोड़ निकला। अब वो अधिकारी जब से आईएएस बना उस दिन से उसकी तनख्वाह मैंने जोड़ी, उसने 36 साल नौकरी की यूपी कैडर में आईएएस ऑफिसर, आखिरी नौकरी जब उसकी थी तो उसकी तनख्वाह थी 90,000 रुपए कुल मिलाकर। तो 90,000 रुपए महीने से मैंने सब जोड़ डाला तो कुल जो धन निकलता है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होता, और उसमें उसने बीवी बच्चे पाले, घर चलाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कुछ तो खर्च हुआ होगा, ये थोड़ी है कि सारी बचत हो गई होगी, तो 20-25-50 लाख खर्च भी हुआ होगा, तो 480 करोड़ कहां से आया? सीधी सी बात है, लूट में से आया, घूस में से आया, भ्रष्टाचार से आया। ऐसे हमारे देश में ये जो अखंड प्रताप सिंह और जिन तीन नेताओं का मैंने नाम लिया, ऐसे 80,000 लुटेरे हैं जो सफेद पोश हैं और लूट रहे हैं इस देश को। कहीं लोकसभा में बैठे हैं, कहीं विधानसभा में बैठे हैं, कहीं मंत्री बने हुए हैं, कोई सेक्रेटरी बना हुआ है, हैं सब लुटेरे। अब मुझे दुख इस बात का है कि पहले इस देश में माधो सिंह नाम का एक डाकू था, मोहर सिंह नाम का एक डाकू था, जालिम सिंह नाम का एक डाकू था। ये माधो सिंह, मोहर सिंह, जालिम सिंह जैसे कुछ डाकू थे, पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती थी और उनको मार के खत्म कर ही दिया। क्यों? लुटेरे थे। वो क्या लूटते थे? किसी गांव में चले गए, जमींदार को लूट लिया, किसी गांव में चले गए, पैसे वाले को लूट लिया। लेकिन वो इतने भले थे कि जमींदारों से पैसा लूटकर गरीब लड़कियों की शादी में दे दिया करते थे। ये ठीक है, वो लूटते थे लेकिन गरीबों की लड़कियों के विवाह कराते थे, किसी को मंदिर बनवाते थे, किसी का कुछ करते थे, तो इधर से लूटते थे उधर देते थे, तो जनता उनका बड़ा सम्मान करती थी, बस पुलिस उनके पीछे रहती थी, जनता तो सम्मान करती थी। अब मुझे लगता है कि ये माधो सिंह, मोहर सिंह, जालिम सिंह से बड़े लुटेरे तो ये हरामी है जो लूट लूट के विदेशी बैंकों में भर रहे हैं और किसी गरीब की बेटी की शादी ये नहीं कराते, किसी की मदद नहीं करते, उल्टा लोगों से छीन छीन के अपना खजाना भरते रहते। तो मैं तो कहता हूं ये माधो सिंह, मोहर सिंह मरे थोड़ी है, उन्हीं की आत्मा इनमें प्रवेश कर गई है और ज्यादा खराब तरीके से प्रवेश कर गई है। ये तो लूट लूट के विदेशी बैंकों में जमा करते हैं, कम से कम डाकू माधो सिंह का स्विस बैंक अकाउंट नहीं था,
डाकू मोहर सिंह का स्विस बैंक के अकाउंट नहीं था, इन हरामियों के तो विदेशी बैंकों के खाते हैं, यहां से पैसा ले जाके वहां रखते हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में है और हमको अब ये बात स्पष्ट समझ में आ गई कि जब तक ये लूट होती रहेगी ये देश सुधर नहीं सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। अब हमको समझ में आता है आजादी के 62 साल हो गए, देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है। इस देश में 3 लाख गांव हैं जहां बिजली नहीं। आप सोचिए, आपके गांव में तो नसीब अच्छा है 10 घंटे बिजली आती तो है, मेरा जहां जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में वहां तो 1 घंटे क्या 1 मिनट बिजली नहीं आती, क्योंकि बिजली ही नहीं है मेरे गांव। एक बार एक मुख्यमंत्री को मैंने शिकायत की मेरे गांव में बिजली नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने कहा अच्छा मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा कुछ करो, तो उसने खंबे गड़वा दिए बिजली के, तार उनमें अभी भी नहीं है, खंबे गड़े हुए। अब किसी दूसरे मुख्यमंत्री को शिकायत करूंगा तो तार लगवा देगा, फिर बिजली कब आएगी, वो हो सकता है पंचवर्षीय योजना खत्म होते होते आए। ऐसे 3 लाख के आसपास गांव जहां बिजली नहीं, 3.5-3 लाख गांव में चलने के लिए सड़क नहीं, 3.5-3 लाख गांव में कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, पीने का पानी नहीं, और तो क्या बात करें। हमारे देश में 21 करोड़ परिवार रहते हैं, मात्र 7 करोड़ परिवारों को पीने का पानी मिलता है, बाकी को तो पीने का पानी भी नहीं। और उससे भी बड़े दुख और अफसोस की बात यह है कि 14 करोड़ परिवार इस देश में ऐसे हैं जहां की माताओं बहन बेटियों के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है, उनको सड़क के किनारे बैठकर अपने दैनिक जीवन की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। शर्म की बात है आजादी के 62 साल में ये इस देश में होता है। क्या हुआ, विकास क्यों नहीं हुआ, पैसे लूटे गए, विकास होगा कहां से, और कितने पैसे लूटे जाते हैं आप अंदाजा लगाना चाहें तो केंद्र सरकार हर साल हमसे टैक्स के रूप में जो लूटती है वो 6.25 लाख करोड़ रुपए हर साल। आपको मालूम है केंद्र सरकार टैक्स लगाती है आपके ऊपर, उसमें से 6.25 लाख करोड़ वो ले लेते हैं। फिर 31 राज्य हैं इस देश में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, 31 राज्यों की राज्य सरकारें हर साल 12 लाख करोड़ लूटती हैं हमसे। और फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, वो अलग से टैक्स लेते हैं। नगर पालिकाओं का टैक्स अलग है, राज्य सरकार का टैक्स अलग है, केंद्र सरकार का अलग है, तीनों स्तर पर टैक्स के रूप में एक साल में 20 लाख करोड़ रुपए लूट लेते हैं। अगर ईमानदारी से ये 20 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए खर्च किया जाए तो इस 20 लाख करोड़ के धन से इतना सोना आता है कि गांव की एक एक सड़क सोने से बनाई जा सकती है, 1-2 साल में ही देश सोने की चिड़िया हो सकता है, इतनी बड़ी रकम है ये। लेकिन राजीव गांधी कहा करते थे कि इस 20 लाख करोड़ का 85% लुट जाता है 1984 में, और अब 90% लुट जाता है 2009 में। इसका माने सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया एक साल में विकास के लिए खर्च होता है, बाकी 18 लाख करोड़ की लूट हो जाती है हर साल। ये धन कौन देता है 20 लाख करोड़ का? आप देते हैं, मैं देता हूं। कैसे देते हैं मैं उदाहरण से बताता हूं। मेरे हाथ में एक पेन है, ये आप खरीदो व्यावराम, किसी भी दुकान से ये पेन खरीदोगे 10 रुपए से कम में नहीं मिलेगा, हो सकता है 12 रुपए में मिले, हो सकता है 15, 10 से कम तो ये नहीं ही मिलेगा। आपको मालूम है ये 10 रुपए में जो पेन आप खरीदते हैं, इसको बनाने वाली एक कंपनी है बंबई में, उस कंपनी के मालिक के साथ एक बार मैंने खाना खाया, उसको मैंने पूछा कि भाई ये आपकी फैक्ट्री में पेन बनता है, आप कितने रुपए में ये बनाते हो और बाजार में हमको ये 10 रुपए से कम में नहीं मिलता? तो उसने कहा आपको क्या करना। मैंने कहा मुझे जानना है कि लूट कितनी हो रही है।
ये बनता कितने का है? तो ये पेन जब फैक्ट्री में बनता है तो उसकी जो लागत आती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। और ये जो टैक्स के लोग हैं ना, इनकम टैक्स सेल्स टैक्स वाले, ये उसको कहते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस, फैक्ट्री में बनने की कीमत, कुल कीमत। तो ये पेन उसने बताया फैक्ट्री में बनता है 1.5 रुपए का। मैं पूछा वो 1.5 का भी हिसाब बताओ, तो उसने कहा ये इसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर है ना, ये 70 पैसे का है, 70-75 पैसे। इसके अंदर की जो रिफिल है वो 60-70 पैसे की, और फिर इसका ये जो बना है स्टील का, ये 10 पैसे का, लगभग 1.5 रुपए का ये पेन बन जाता है। मैं उसको पूछा तुम मुनाफा कितना लेते हो? उसने कहा 50 पैसा, तो 2 रुपए का होगा। अब ये 2 रुपए का पेन आपको 10 रुपए में मिलता है, क्योंकि 8 रुपए इस पर टैक्स लगता है, और इस पर केंद्र सरकार का टैक्स अलग लगता है, राज्य सरकार का अलग लगता है। माने एक पेन खरीदा, सरकार ने 8 रुपए लूट लिया आपसे इस पेन। और एक उदाहरण देता हूं, मेरे हाथ में एक घड़ी है, ये घड़ी टाटा कंपनी की है, टाइटन। एक बार मैं इस फैक्ट्री में भाषण देने गया था, टाइटन की फैक्ट्री में, वहां के एक मैनेजर को मैंने पूछा ये घड़ी मैंने बाजार से खरीदी है 570 रुपए की आई, और इसको खरीदे हुए 10 साल हो गया। तो मैं पूछा भैया ये घड़ी कितने की बनती है आपके यहाँ? तो उसने कहा घड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है 70 रुपया, और मैंने खरीदी ये 570 रुपए। ऐसे लूटा, कैसे लूटते हैं आपको टैक्स के रूप में। और एक उदाहरण देता हूं, ब्यावरा में आप घर बनाओ, घर बनाने के लिए सीमेंट खरीदोगे, सीमेंट का एक 50 किलो का पैकेट आप खरीदोगे, कितने का आता है? 250 रुपए का। आपको मालूम है 250 रुपए का जो सीमेंट पैकेट आप खरीदते हो वो फैक्ट्री में 76 रुपए में बनता है। लोहा खरीदो आप घर बनाने के लिए, 1 किलो लोहा मिलेगा 50 रुपए का, और 1 किलो लोहा फैक्ट्री में 12 रुपए का बनता है। कुछ भी खरीदो आप इस देश में, उस पर टैक्स है। बिना टैक्स की कोई चीज अब इस देश में नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में एक चीज थी जिस पर टैक्स नहीं था, वो नमक। इन काले अंग्रेजों ने नमक पे भी टैक्स लगा दिया, अब नमक भी बिना टैक्स के नहीं है। नमक बनता है समुद्र के पानी से, जिसमें कोई खर्चा नहीं है। सूरज की धूप, समुद्र का पानी, पानी सूख जाता है, नमक रह जाता है। वो नमक 15-20 पैसे किलो में सबको मिल सकता है, वो बिक रहा है 15 रुपए किलो। लूट रहे हैं आप। कोई भी चीज बाजार से आप खरीदें, टैक्स ही टैक्स हैं उस पर। और कितने टैक्स हैं? 64 तरह के टैक्स हैं इस देश में। 2 टैक्स हैं वो डायरेक्ट हैं, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। बाकी 62 तरह के टैक्स इनडायरेक्ट हैं। इतने टैक्स हम देते हैं सरकार को। ये पैसा इकट्ठा होकर 20 लाख करोड़ होता है, इसमें से 18 लाख करोड़ लूट लेते हैं नेता और अधिकारी, 2 लाख करोड़ विकास पे खर्च करते। अब 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाए 115 करोड़ की आबादी पर, तो एक आदमी पे कितना निकलेगा? साल का खर्चा कुछ 100 रुपए का निकलता है, और वो लगभग 500-700 रुपए निकलता है। अब एक आदमी पे साल के विकास का 500-700 रुपए खर्चो तो क्या होगा उसमें, इतनी महंगाई के जमाने में? ऐसे लूट हो रही है हमारे देश की। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, और वो संकल्प ये है कि जैसे अंग्रेजों की लूट बंद करने के लिए क्रांतिकारियों ने इस देश में अभियान चलाया था, वैसे ही इन काले अंग्रेजों की लूट को बंद करने के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान नाम का अभियान चलाया है। और हम इसमें कुछ काम करना चाहते हैं। उसमें से एक काम ये करना चाहते हैं कि ये जो लूट रहे हैं पैसे को,
ये पैसा भारत के बाहर नहीं जाना चाहिए और ये लूट बंद होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे कैसे हो सकती है, हमने इसके लिए सरकार के सामने दबाव डालना शुरू किया है और भारत सरकार को ये कहा है कि जल्दी से इस देश में एक कानून बना दो कि जो भी लूट करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, घूसखोरी करेगा, रिश्वतखोरी करेगा और पकड़ा जाएगा तो 3 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा होनी ही चाहिए, उसके लिए दूसरी कोई मुरब्बत नहीं। 3 महीने में उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और फांसी उसको जेल के अंदर नहीं दी जाएगी, चौराहे पर बिजली के तारों से लटका के उल्टा नीचे आग जला के और उसमें मिर्ची का पाउडर झोंक के तब उसको मरने देंगे। जब इतनी सख्त सजा होगी तब घूसखोरी रिश्वतखोरी इस देश में खत्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। दुनिया में कई देश हैं आपको मालूम है जहां रिश्वत लो तो गोली मार देते हैं सीधे। अभी थोड़े दिन पहले चीन में एक दुर्घटना हो गई थी, कुछ अधिकारी पकड़े गए रिश्वत लेते हुए, उन अधिकारियों को 90 दिन नहीं हुए उसके पहले चौराहे पे खड़े करके सबको गोली मारी गई थी, लोगों को दिखा के कि तुम देख लो अगर तुम ये करोगे तो ऐसे ही तुमको मारी जाए। तो भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। हमारे देश में आज मुश्किल क्या है, भ्रष्टाचारी एक तो पकड़े नहीं जाते, पकड़ जाएं तो जिंदगी भर जेल के बाहर रहते हैं, कभी उनको कोई सख्त सजा नहीं मिलती। आप देख लो मंत्री बन बन के, मुख्यमंत्री बन बन के शासन चलाते रहते हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लूटे हैं इस देश के, मुकदमे भी चल रहे हैं और वो मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। ये मजाक नहीं चाहते हम देश के साथ, हम भारत स्वाभिमान की तरफ से इस बात के लिए लड़ रहे हैं इस देश में कि भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं। और दूसरा इस बात के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि 62 साल में जो लूट लिया है इन्होंने 110 लाख करोड़ और विदेशी बैंकों में रख लिया है, इसको वापस लाना है, क्योंकि ये देश का पैसा है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है। आप पूछेंगे क्या ये वापस आ सकता है, आ सकता है। इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम भारत की संसद से कानून बनाएं, कानून बनाकर इस पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराएं। अभी ये पैसा जो है विदेशी बैंकों में जमा है नेताओं की व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में, हम चाहते हैं कि ये पैसा हो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में। उसके लिए संसद में एक कानून बनाना है, वो कानून ये होगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में से जितना भी धन लूटा गया है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। संसद में ये प्रस्ताव आएगा और ये प्रस्ताव जब संसद में आएगा तो इस पर बहस होगी। बहस के समय आप भी देखना, मैं भी देखूंगा कौन कौन हरामी नेता इसका विरोध कर रहा है, आप ये देख। जो विरोध करेगा पक्की बात है हरामी नंबर एक वही है, पैसा उसी का है, खाता उसी का है विदेशी बैंकों, नहीं तो विरोध क्यों करेगा। तो पता चल जाएगा किस किस के खाते हैं। और हमारी एक तैयारी है वो ये कि अगर वर्तमान संसद ये कानून पास नहीं करेगी तो हम नई संसद बनाकर ये कानून पास करवाएंगे। वर्तमान संसद के बैठे हुए जो एमपीज जो ये काम नहीं करेंगे तो नए लोगों को चुनकर हम लोकसभा में लेके जाएंगे, कम से कम 350 से 400, और उनकी ताकत पर ये काम करवाएंगे। ये हमारी तैयारी है। और विधानसभाओं के लोग विरोध ना करें उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं कि जो एमएलए विरोध करेंगे उनको हटाकर दूसरों को चुनकर लाएंगे इस देश की लोकसभा। एक और रास्ता है हमारे पास, वो रास्ता ये है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में हम एक मुकदमा करना चाहते हैं।
एक तो अभी हो गया है, एक और करना है। मुकदमा किस बात का? एक बार सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में एक फैसला दिया था। नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में एक यूरिया घोटाला हुआ था। उसमें 133 करोड़ रुपए यूरिया खरीदने के लिए दिए गए, यूरिया नहीं आया, पैसे दे दिए। जांच की गई तो पता चला वो पैसे स्विस बैंक में जमा हो गए और नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि उस खाते को जब्त किया जाए, जिसका खाता है उसको गिरफ्तार किया जाए। तो नरसिम्हा राव के बेटे की गिरफ्तारी हुई, उसको जेल में डाला गया, वो आज भी जेल में है, आज भी जेल में है। और उसका खाता जब्त किया गया स्विट्जरलैंड से, उसमें 133 करोड़ रुपए निकला, वो सारा पैसा स्विट्जरलैंड ने भारत में वापस मंगा लिया। हम स्विट्जरलैंड को यही हमारे सुप्रीम कोर्ट को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा भारत वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है, सभी घोटालों का पैसा आ सकता है। और ये सारा पैसा मिलकर 110 लाख करोड़ रुपए है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पैसे को वापस मंगा सकता है। एक और तरीका है इस पैसे को वापस मंगाने का, वो तरीका है स्विट्जरलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुकदमा किया जाए। बहुत बेईमान देश है वो, पता है बेईमानी क्या करते हैं? पैसा जमा कराते हैं, उस पर ब्याज नहीं देते, उल्टा जमा कराने वालों से सर्विस चार्ज लेता है सब। और स्विट्जरलैंड की सरकार क्या करती है, वो पैसे को वो ब्याज पर किसी और को दे देते हैं और उसमें से खूब मुनाफा कमाते हैं और भारत को कुछ नहीं मिलता। ये बेईमानी है, इसके खिलाफ हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जा सकते हैं और मुकदमा हो सकता है। और उस मुकदमे को करने के लिए 50 देश तैयार हैं, क्योंकि कई देशों का पैसा स्विस बैंक में है। उन सबको साथ लेकर हम ये मुकदमा लड़ना चाहते हैं और इस पैसे को लाना चाहते हैं। तो ये पैसा वापस लाना है और इस लाए हुए पैसे से देश की गरीबी को मिटाना है। आप बोलेंगे गरीबी कैसे मिटेगी? उसका हमने पूरा हिसाब निकाला कि 110 लाख करोड़ में से 50 लाख करोड़ का खर्चा करें तो पूरे देश के गरीबों को करोड़पति बना सकते हैं, पूरे देश के गरीबों को करोड़पति, इतना हमारे पास पैसा। हम क्या चाहते हैं, ये पैसा जब वापस आएगा तो इससे देश के गांव में उद्योग और रोजगार की व्यवस्था करनी, क्योंकि कोई भी आदमी गरीब है इसका माने बेरोजगार है, काम नहीं है उसके पास, उसको रोजगार दे दो गरीबी कम हो जाएगी। तो रोजगार मिलते गरीबी कम होती है, तो हर आदमी को काम मिलना चाहिए इस देश में और जहां वो रहता है उसी गांव में काम मिलना चाहिए। ये नहीं कि गांव छोड़कर उसको शहर आना पड़े रोजगार की तलाश में, जहां जन्म हुआ जिस गांव में बड़ा हुआ उसी गांव में रोजगार उसको मिलना चाहिए। तो क्या ये संभव है? ये संभव है। कैसे संभव है? भारत में 2 लाख ऐसे गांव हैं जहां कपास पैदा होती है, रुई, 2 लाख गांव। इन 2 लाख गांव में जहां कपास पैदा होती है वहां चरखा चलाया जा सकता है हर घर में, चरखा वही जो गांधी जी चलाते थे, उसको चलाने में बिजली नहीं लगती, बिना बिजली के चल सकता है। उस चरखे से सूत बनता है, वो सूत से ये खादी का कपड़ा बन सकता है, ये भी गांव में बन सकता है क्योंकि हैंडलूम पर ये कपड़ा बनता है, मशीन इसके लिए नहीं चाहिए। तो खादी का सूत बनाना, खादी का कपड़ा बनाना, ये 2 लाख गांव में संभव है, आराम से 2 लाख गांव के करोड़ों परिवारों को ये रोजगार हम दे सकते हैं। और इसका मैंने हिसाब निकाला, कोई भी साधारण व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे अगर चरखा चलाए तो 100 से 150 रुपए उसको आराम से मिल जाता है। कोई कोई लोग तो 200 रुपए रोज कमा सकते हैं 8 घंटे चरखा चला के, हर परिवार को रोजी रोटी की व्यवस्था हो सकती है। अब आप बोलेंगे कि ये 2 लाख गांव में खादी बनेगी तो सही, खरीदेगा कौन?
हम खरीदेंगे ना, आप खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा। हम हिंदुस्तान के लोगों से अपील करेंगे कि जिंदगी में कम से कम एक कपड़ा खादी का जरूर खरीदो, ताकि 2 लाख गांवों के बेरोजगार लोगों को काम मिले। एक छोटी सी बात आपको मैं समझाता हूं, मेरे जैसे भारत में 1 करोड़ लोग हैं जो खादी पहनते हैं, जिन्होंने गांधी जी के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिया हुआ है। जो गांधीवादी हैं वो खादी पहनते हैं। आप जानते होंगे बहुत सारे अपने देश के जो आज़ादी के आंदोलन के आज भी जिंदा हैं जो क्रांतिकारी, वो खादी ही पहनते हैं, भले मोटी खादी पहनेंगे लेकिन पहनते हैं। ऐसे 1 करोड़ लोग हैं। उन 1 करोड़ लोगों के खादी खरीदने से भारत के 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, चरखा चलाने का, सूत बनाने का। अब मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि 1 करोड़ लोग अगर खादी पहनते हैं तो 15 लाख लोगों को काम मिलता है। अगर 100 करोड़ लोग खादी पहनने लगे तो 15 करोड़ लोगों को रोजगार तो खादी से ही मिल सकता है। हम ये टेरेलिन टेरिकॉट जो पहनते हैं ना, ये अपने देश का कपड़ा नहीं है। ये टेरेलिन टेरिकॉट सब विदेशों से आयात होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसमें से बनता है। और ये टेरेलिन टेरिकॉट पहनते तो इसमें गर्मी बहुत लगती है, अंदर ये शरीर को पसीना पसीना कर देता है। इसकी जगह खादी पहनने लगे तो पसीना सूख जाता है, गर्मी भी कम लगती है। खादी का कपड़ा गर्मी में ठंडा होता है, जाड़े में गर्म होता है। और खादी पहनकर 7,32,780 क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी तो हम खादी क्यों नहीं पहन सकते? हम कुर्ते पजामे खादी के ले सकते हैं, धोती कुर्ता खादी का ले सकते हैं, तौलिया खादी का ले सकते हैं, घर में ये बेड कवर शीट होती है ना, ये खादी की हो सकती है, ये खादी का हो सकता है, पर्दे खादी के हो सकते हैं। कुछ नहीं तो साल में 2-2, 4-4 रूमाल अगर खादी के खरीद ले तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है इस देश में। तो बनाएंगे गांव वाले, खरीदेंगे हम। और मैंने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा अभ्यास किया तो पता चला दुनिया का हर देश खादी खरीदने को तैयार है, बेचने वाला कोई नहीं। अमेरिका और यूरोप में मालूम है सूती कपड़ा सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन खादी का मिले तो वो और अच्छा मानते हैं, लेकिन कोई देने वाला नहीं है क्योंकि बनती नहीं है। अगर भारत के गांव-गांव में खादी बनने लगे, दुनिया भर में बिकेगी और घरों में किसानों के सीधे पैसा आएगा, जो कपास पैदा करेंगे, जो चरखा चलाएंगे, जो सूत बनाएंगे, बेरोजगारी इससे खत्म होगी। दूसरा, हम क्या चाहते हैं, हर गांव में सरसों पैदा होती है, तिलहन पैदा होता है, तो हर गांव में तेल पैदा हो सकता है। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब तेल गांव में पैदा होकर डब्बे में भर के शहर में बिकने को जा सकते हैं। और एक साल में भारत में 56,000 करोड़ रुपए का तेल बिकता है। इतने तेल पर 50,000 गांव में रोजगार लोगों को मिल सकता है, जो तेल बनाकर हमें दें। आप बोलेंगे तेल मिल, तेल मिल हम छोटी लगा सकते हैं, जो कोल्हू जैसी होती थी पहले, जो बिना बिजली के भी चल सकती है, और जिन गांवों में बिजली है वहां बिजली की भी लगा सकते हैं। और मैंने तो ये जानकारी ली प्रयोगशाला में जांच करवा के कि बिजली की तेल मिल से जो तेल निकाला जाता है और बैल के द्वारा कोल्हू चलाकर जो तेल निकाला जाता है, उसमें बैल वाले कोल्हू के तेल की क्वालिटी 1,000 गुनी ज्यादा है बिजली के मिल की क्वालिटी से। और अब मुझे पता चला कि हमारे पुराने पुरखे वो कोल्हू का तेल खाते थे, किसी को हार्ट अटैक नहीं आता था, किसी को डायबिटीज नहीं होती थी, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं था, किसी को शुगर नहीं थी, किसी को हेमरेज नहीं होता था, क्योंकि वो तेल खाने से HDL बढ़ता था, और HDL बहुत जरूरी है जो शरीर का ज्यादा बढ़े। LDL और VLDL खतरनाक है, जो नहीं बढ़ना चाहिए। ये LDL VLDL बढ़ता है मिल के तेल से, मशीन के तेल से। तो गांव-गांव ये कोल्हू का तेल निकाल के बैलों की मदद से बहुत बड़ा व्यापार चल सकता है, रोजगार मिल सकता है। ऐसे ही एक तीसरा उदाहरण देता हूं। भारत में 90,000 गांव हैं जहां आलू पैदा होता है,
और वो आलू का चिप्स बन सकता है और वो चिप्स बाजार में बिक सकता है। अभी हम बाजार से चिप्स खरीदते हैं, 15 रुपए का एक पैकेट आता है और 15 ग्राम चिप्स निकलता है, माने 1000 रुपए किलो चिप्स बिकता है और 20 रुपए किलो आलू बिकता है। तो आलू बेचने में फायदा नहीं, चिप्स बेचो ना। तो 90,000 गांव में चिप्स बनाने का काम हमारी माताएं बहनें कर सकती हैं। सब घर की माताओं को चिप्स बनाना आता है, वो बेचने के लिए हम सब लोग शहर में मदद कर सकते हैं। ऐसे ही भारत के 60-65 हजार गांव में टमाटर पैदा होता है, तो टमाटर की चटनी गांव में बन सकती है और पैकेट में भर के शहर में बिक सकती है। हमारे गांव में जो पैदा होने वाली चीजें हैं, गेहूं पैदा होता है भारत के 2-2.5 लाख गांव में, हर गांव में गेहूं का आटा निकाला जा सकता है और आटे को पैकेट में बंद करके शहर में बेचा जा सकता है। तो रोजगार गांव में खड़ा करना है ताकि गांव के हर आदमी को अपने ही स्थान पर काम मिले, उसको शहर जाकर किसी की नौकरी नहीं करनी पड़े। और ये रोजगार का काम खड़ा करने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए, वो स्विस बैंक के आएंगे तो उसमें से हम खर्च करना चाहते हैं, उसी में से हम और पैसा खर्च करना चाहते हैं स्कूल बनाने के लिए हर गांव। अभी भारत के 50% बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं, तो उन सब बच्चों के लिए गांव में स्कूल खोले जा सकते हैं। फिर हमारे गांव में सड़क नहीं है, सड़कें बन सकती हैं, पानी की व्यवस्था हो सकती है, बिजली की भी व्यवस्था 1 लाख से ज्यादा गांव में हम कर सकते हैं। एक छोटा छोटा पावर प्लांट लगाएं 1 मेगावाट का, 4.5 करोड़ में लग जाता है, 4.5 लाख करोड़ में 1 लाख पावर प्लांट लग सकते हैं और एक पावर प्लांट से 4-5 गांव को बिजली आराम से मिल सकती है, माने हर गांव बिजली से जगमगा सकता है 4.5 लाख करोड़ के खर्चे में। और हमारे पास 110 लाख करोड़ है, 4.5 लाख करोड़ खर्च करना कौन बड़ी बात है। मैंने तो एक दिन सारा हिसाब निकाल लिया तो 50 लाख करोड़ का कुल खर्चा होगा और हर गांव में सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, बिजली की, शिक्षा की, चिकित्सा की, पानी की, रोजगार की, व्यापार की, सारी व्यवस्थाएं 50 लाख करोड़ में हो जाएंगी। तो भी 60 लाख करोड़ बचेगा हमारे पास, उस बचे हुए पैसे को बैंक में जमा कर दो, 1 साल का ब्याज 10% का आएगा तो 6 लाख करोड़ का ब्याज मिल जाएगा। उतने ब्याज से देश का हर साल बजट हम बना सकते हैं, किसी से टैक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है और टैक्स के माध्यम से जो लूट हो रही है उसको पूरा बंद करा सकते हैं। हम चाहते हैं कि किसी से टैक्स ना लिया जाए और तो भी देश चले बिना टैक्स के। अब बिना टैक्स के देश चलेगा तो कैसे, स्विस बैंक के पैसे से ब्याज मिले उससे ही देश का विकास करो, टैक्स की जरूरत क्या। और टैक्स अगर हम खत्म करेंगे तो परिणाम जानते हैं क्या होगा, केंद्र सरकार के सारे टैक्स खत्म कर दें, महंगाई 70% कम हो जाएगी इस देश, 70%। इसका मोटा हिसाब बताता हूं, जो चीज अभी 100 रुपए में आप खरीदते हैं वो 30 रुपए में मिल जाएगी, जो 200 में खरीदते हैं वो 60 रुपए में मिल जाएगी आप, हर चीज सस्ती हो जाएगी। और चीजें जब सस्ती हो जाएंगी तो गरीबों को भी आसानी से जिंदगी चलाने का रास्ता खुल जाएगा। तो हम महंगाई खत्म करना चाहते हैं, गरीबी खत्म करना चाहते हैं, बेकारी खत्म करना चाहते हैं, पैसे कहां से लाएंगे, ये नेताओं ने जो लूटा है उसी में से इस पैसे का इस्तेमाल करके हम करना चाहते हैं, लोगों से हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना पहले ही लूट लिया है नेताओं ने, उसी से देश का काम हो सके। और एक फायदा होने वाला है कि हम जब टैक्स खत्म करेंगे तो सबसे पहले इनकम टैक्स खत्म करना चाहते हैं। इनकम टैक्स खत्म करने का फायदा क्या होगा, देश में कुछ पैसा ऐसा है जिसको काला धन कहते हैं, ब्लैक मनी, ये वो पैसा है जिस पर इनकम टैक्स नहीं दिया गया। हम इनकम टैक्स हटाना चाहते हैं तो सारा धन सफेद हो जाएगा और जो धन सफेद होगा वो बाजार में आ जाएगा, तो 36 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाजार में आ जाए। और इतना पैसा अगर हमारे पास आता है तो हमको दुनिया में किसी देश से भीख लेने की जरूरत नहीं है,
दान लेने की जरूरत नहीं है। हमारे देश का विकास हम उसी पैसे से कर सकते। फिर हम एक्साइज ड्यूटी हटाएंगे, सेल्स टैक्स हटाएंगे, सारे टैक्स हटाकर इस देश की जनता को आराम का और सुख का जीवन जीने को मिले, वो काम हम करना चाहते। इसी के लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान हमने चलाया। इस अभियान में और एक दो काम हम करना चाहते हैं। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था आजकल अंग्रेजी में है। अंग्रेजी विदेशी भाषा है। अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजी आई, अब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी क्यों चलनी चाहिए? और ये अंग्रेजी विदेशी भाषा है, हमको आती नहीं है, हमारे देश के विद्यार्थियों को आती नहीं है। मार मार कर हम उनको सिखाते हैं फिर भी नहीं आती है, क्योंकि विदेशी भाषा है, क्यों आनी चाहिए? मैं तो लोगों से सीधे सीधे कहता हूं कि हम जितना मार मार के बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं, उतना कोई अंग्रेज अपने बच्चों को मार मार के हिंदी नहीं सिखाता कभी। जब वो हिंदी नहीं सिखाते, हम अंग्रेजी क्यों सिखा रहे? हमको ऐसी गलतफहमी हो गई है। किसी देश में नहीं चलती। चलती है जापान में जापानीज चलती है, चीन में चाइनीज चलती है, डेनमार्क में डेनिश चलती है, नीदरलैंड में डच चलती है, सभी देशों में उनकी मातृभाषाएं चलती हैं। अंग्रेजी सिर्फ उन देशों में चलती है जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे न्यूजीलैंड, जैसे कनाडा, जैसे अमेरिका, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश, इसलिए अंग्रेजी चलती है। जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं, कहीं अंग्रेजी नहीं चलती। तो अंग्रेजी दुनिया की भाषा नहीं है, 14 देशों की भाषा। और दुनिया में सबसे खराब और रद्दी और मूर्खता की भाषा है तो ये अंग्रेजी ही है। इस भाषा का कोई सिर और कोई पैर नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, अंग्रेजी भाषा कैसी मूर्खों की भाषा है। एक शब्द है अंग्रेजी में, उसका नाम है पुट, उसकी स्पेलिंग है PUT, पुट, तो BUT, बुट होना चाहिए कि नहीं? लेकिन कहते हैं नहीं, BUT बट, तो PUT पट होना चाहिए। CUT कट, BUT बट, तो PUT पट क्यों नहीं होना चाहिए, बताइए? और अगर PUT पुट, तो BUT बुट और CUT कुट क्यों नहीं होना चाहिए? अंग्रेजों के पास इसका कोई जवाब नहीं। कहीं ऊ हो जाता है, कहीं आ हो जाता है, ऐसा होता है दुनिया में कभी? कहीं आ, कहीं ऊ, या तो आ कर लो या ऊ कर लो, दोनों में से एक कर लो उसको। कितनी मूर्खता की भाषा है ये अंग्रेजी। और एक उदाहरण देता हूं आपको, अंग्रेजी में एक शब्द है केमिस्ट्री, तो उसकी स्पेलिंग क्या है? CHEMISTRY, तो CHE यहां पे का है, केमिस्ट्री माने का। तो अंग्रेजी में एक और दूसरा शब्द होना चाहिए कोपड़ा, CHOPARA, उसको कहते हैं चोपड़ा। तो CHOPARA अगर चोपड़ा है, तो CHEMIS केमिस्ट्री होनी चाहिए, और CHEMIS अगर केमिस्ट्री है, तो CHOPARA कोपड़ा होना चाहिए। कोई उत्तर नहीं है अंग्रेजों के पास। कहीं CH का है, कहीं चा है, चा कहां है, का कहां है, कुछ हिसाब ही नहीं है उसका। और कहीं कहीं सी का हो जाता है, कहीं सी सा हो जाता है। एक शब्द होता है SUN, आप क्या बोलते हैं? सन, ठीक है। और एक शब्द है SON, उसको क्या बोलते हैं? सन। एक सोन होना चाहिए, एक सन होना चाहिए। SON सोन, SUN सन। SON को भी सन कह रहे, SUN को भी सन कह रहे, मूर्ख हैं कि नहीं? कुछ और छोर नहीं इस भाषा।
और इस भाषा में हम फंस गए मूर्खों बन के, और हम ऐसे फंसे ना तो अंग्रेज रहे ना हिंदुस्तानी रहे, बीच के खिचड़ी हो गए हम सब। अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों का क्या बुरा हाल है इस देश में। मैं कभी कभी किसी के घर जाता हूं, थोड़ी अंग्रेजी जिन्होंने पढ़ ली है वो कैसे मूर्ख होते हैं उदाहरण देता हूं। उनके घर में नाम कैसे होते हैं, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब रामदयाल और गायत्री देवी दोनों का टिंकू कहां से आ गया, ये तो दोनों स्वदेशी हैं रामदयाल और गायत्री, वो टिंकू विदेशी कहां से आ गया। और उनको मैं पूछता हूं टिंकू नाम क्यों रखा, बस रख लिया। कुछ अर्थ मालूम है टिंकू का? टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का, जो अपने बाप की ना सुने मां की ना सुने वो टिंकू होता है अंग्रेजी में। और हमारे अच्छे खासे आज्ञाकारी बेटे को बोल बोल के टिंकू 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 आवारा बना रहे हैं। ऐसे मूर्ख लोग हैं। कुछ कुछ घरों में जाता हूं तो बच्चों के नाम कैसे रख लेते हैं, डब्लू बबलू पिंटू डिंपल ट्विंकल। मूर्खों के मूर्ख कुछ नाम नहीं मिले आपको, बबलू डब्लू ड्विंकल टिंपल, फालतू नाम जिनका कोई अर्थ नहीं। और ये अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कैसे मूर्ख हैं, मुझे बहुत उनके ऊपर दया आती है। अंग्रेजी में रौब झाड़ते हैं, आती तो है नहीं, समझते है नहीं, कुछ भी पटर पटर बोलना है, रौब लगाना है, रौब झाड़ना है, कैसे बोलते हैं। किसी के घर में मैं घुसा, वो अंग्रेजी में कहता, ओ राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेज। मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेज, उनको मालूम ही नहीं मिसेज कहते किसको है। वो अपनी धर्म पत्नी को मिसेज बनाने में लगे हुए। आपको मालूम है अंग्रेजी में मिसेज का अर्थ क्या होता है? इंग्लैंड में और यूरोप में एक बहुत खराब परंपरा है, अब है तो है, उसको खराब मानो अच्छा मानो, परंपरा पता है क्या है, कोई भी स्त्री एक पति से कभी भी संतुष्ट नहीं होती और कोई भी पुरुष एक स्त्री से कभी संतुष्ट नहीं होता, यह उनकी परंपरा है। एक एक पुरुष की 20-20 स्त्रियां होती है, एक एक स्त्री के 20-20 पुरुष होते हैं। अब एक से तो शादी करते हैं बाकी को ऐसे ही रखते हैं। हाँ आप इस पे हंसिए मत, सही बात कह रहे हो, शादी तो एक ही से होगी, पत्नी तो एक ही होगी और बाकी 19 स्त्रियां वो सब मिसेज होती हैं। मिसेज का माने होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री जिसके साथ बिस्तर में रात को आप सो सकें वो मिसेज होती है। और यहां अपनी धर्म पत्नी को जो अकेली है इकलौती है उसको मिसेज बनाने में मूर्खों के मूर्ख लगे हुए हैं। कहते हैं ये हमारी मिसेज है, तो मैं पूछता हूं रियली वो आपकी मिसेज है? और ये जो मिस्टर शब्द है ना ये उल्टा है, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर होता है, और यहां अच्छे खासे पति को मिस्टर बनाने में सब लगे रहे। एक बहुत खराब शब्द है अंग्रेजी का जिसको हिंदुस्तानी बहुत बोलते हैं, मैडम 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 मैडम। और हमारे देश में माताएं बहनें भी बुलवाती हैं, मैडम बोलो हमको, मैडम मैडम मैडम। सबसे खराब शब्द है मैडम। आप बोलेंगे बता दो इसका अर्थ क्या है। इंग्लैंड देश में जो वैश्याएं होती है ना, वैश्याएं जो शरीर बेचती है अपना, नहीं नहीं सुन लो पहले, ताली बाद में बजाना, जो वैश्याएं अपना शरीर बेचती हैं उनके छोटे छोटे समूह होते हैं, वैश्याओं के समूह। उस वैश्याओं के समूह की जो मुख्य संचालिका होती है उसको मैडम कहते हैं। वैश्याओं की हेड वो मैडम होती है, और यहां अच्छी खासी महिलाओं को मैडम 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 दिमाग खराब कर रखा है इन मूर्खों ने, ना तो अंग्रेज है ना हिंदुस्तानी है, बीच के खिचड़ी बने हुए।
ये शब्द अंग्रेजी के क्यों बोलते हैं आप, बंद कर दो इनमें कुछ दम नहीं, अंग्रेजी ही बंद कर दो कुछ उसमें दम नहीं, सबसे खराब भाषा दुनिया। हमारे यहां कुछ अंग्रेज लोग हैं जो अपने बच्चों को पोइम सिखाते हैं, कविता नहीं सिखाते, पोइम सिखाते हैं। और क्या पोइम सिखाएंगे, एक रटा देते हैं बच्चों को पोइम जिसका अर्थ ना बच्चे जानते हैं ना माता पिता जानते हैं, वो पोइम है रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। अब बच्चे को मैं पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है, नहीं मालूम। किसने सिखाया, मम्मा ने सिखाया। तो मम्मा को पूछता हूं आपको अर्थ मालूम है, नहीं मालूम। फिर किसने सिखाया, टीचर ने सिखाया। टीचर को पूछो अर्थ मालूम है, नहीं मालूम। फिर सिखाया क्यों, अर्थ ही नहीं मालूम जब उसका। इसका अर्थ जानते हैं क्या है, रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां पे कभी भी मत आओ क्योंकि हमको खेलना है। अब बच्चा बोल रहा है बारिश बारिश चली जाओ, कभी भी मत आओ, मुझे खेलना है। और ऐसे करोड़ों बच्चे बोल रहे हैं बारिश बारिश चली जाओ, कभी भी मत आओ। भगवान ने ये प्रार्थना सुन ली तो हमारे बच्चे बोल रहे हैं बारिश बारिश भाग जाओ चली जाओ, भगवान ने ले लिया बारिश को वापस। और बारिश हुई नहीं इस देश में, सूखा पड़ेगा, आप भूखे मरेंगे, मैं भूखा मरूंगा, ऐसी अंग्रेजी पोएम है जो हम मूर्ख अपने बच्चों को सिखा रहे। भारत में 60% खेती बारिश पे होती है, आपको मालूम। बारिश नहीं होगी किसान मरेगा, हम मरेंगे, इसलिए बारिश होना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत की कविता तो दूसरी होती है, हमारे यहां देशी कविताएं होती हैं। एक मराठी कविता सुना तो उसका बाद में हिंदी अर्थ बताऊंगा। मराठी कविता है ये रे पाऊसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊसाला मोटा। पाऊस माने बारिश, ये रे माने आओ आओ। तो बच्चा है बारिश को बुला रहा है, बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, ज्यादा ज्यादा आओ, नहीं आओगी तो मैं पैसा देने को तैयार हूं लेकिन तुम आओ, क्योंकि भारत को बारिश की जरूरत है, क्योंकि 60% खेत बारिश के पानी से ही चलते हैं। इसलिए भारत की कविता में बारिश को बुलाया जाता है, विदेशी कविता में बारिश को भगाया जाता है। अब हमें क्या सिखाना है वो हम तय करें हमारे बच्चों। इंग्लैंड में ये कविता गाते हैं रेन रेन गो अवे, क्योंकि इंग्लैंड में बारिश कभी भी आती है, और जब बारिश आती है तो बच्चों का खेलना कूदना बंद हो जाता है। बारिश पक्की नहीं है इंग्लैंड में, कभी भी आ जाती है, इसलिए वो बोलते हैं बारिश बारिश मत आओ, रेन रेन गो अवे। हमको तो बारिश चाहिए, तो देशी कविताएं गाओ, देशी कविताएं सिखाओ बच्चों को, देशी गीत गाओ, देशी गीत सिखाओ बच्चों को, अंग्रेजी का मोह छोड़ दो, अंग्रेजी से प्रेम छोड़ दो, मातृभाषा से प्रेम करो, मातृभाषा का गौरव करो, स्वाम सम्मान करो, तो आपका सम्मान दुनिया करेगी, नहीं तो नहीं करने वाली। हमारी भाषा में कोई कमी नहीं है, शब्दों की संख्या सबसे अच्छी, अंग्रेजी में शब्द बहुत कम है, हिंदी में संस्कृत में शब्दों का भंडार है। अंग्रेजी में एक शब्द है सन, SUN, ये एक और अकेला शब्द है, दूसरा सूरज के लिए कोई शब्द नहीं है अंग्रेजी में। संस्कृत में, हिंदी में दिनकर दिवाकर रवि भास्कर मार्तंड ऐसे 84 शब्द है, अंग्रेजी में एक। एक शब्द है मून, चंद्रमा, एक ही है अंग्रेजी में, और हिंदी में 56 से ज्यादा, संस्कृत में 56 से ज्यादा शब्द। अंग्रेजी में एक ही शब्द है वाटर, पानी, हिंदी में पानी के लिए अनेक शब्द हैं, समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी, पोखर का पानी, सरोवर का पानी, सब पानी के लिए अलग शब्द हैं, अंग्रेजी में एक ही है वाटर। बहुत गरीब भाषा है अंग्रेजी, शब्द ही नहीं है उनके पास। अंग्रेजी कितनी गरीब भाषा है, चाचा मामा ताऊ मौसा फूफा सबके लिए एक ही शब्द है अंकल, और चाची मामी मौसी ताई फूफी सबके लिए एक है आंटी। हमारे हिंदी में सभी रिश्तों के लिए अलग शब्द हैं,
तो हिंदी बहुत समृद्धशाली है, उस हिंदी का प्रयोग करो, बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ाओ। आप जो मार मार के उनको अंग्रेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी नहीं बनेंगे, मैं लिख के दे देता हूँ स्टाम्प पेपर पर। वो ना तो अंग्रेज बनेंगे ना हिंदुस्तानी रहेंगे, बीच में खिचड़ी की तरह से लटक जाएंगे। बच्चों पे बहुत तनाव होता है अंग्रेजी पढ़ने का, मैंने बचपन में महसूस किया है कि मैं कोई बात हिंदी में एक घंटे में याद करता था तो वही बात अंग्रेजी में याद करने में 6 महीना लग जाता था, रटना पड़ता था और फिर भूल जाता था, फिर मार पड़ती थी, फिर पढ़ता था, फिर भूलता था। तो अंग्रेजी तो भूलने के लिए है ही, उसमें याद रखने लायक है क्या? आप बोलेंगे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? दुनिया में जापान नाम के देश में कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ता, उनका व्यापार पूरी दुनिया में चलता है। जर्मनी के लोग अंग्रेजी से नफरत करते हैं और जर्मन लोगों का व्यापार पूरी दुनिया में है। फ्रांस वाले अंग्रेजी से नफरत करते हैं, फ्रांसीसियों का व्यापार पूरी दुनिया में है। रूस वाले अंग्रेजी नहीं सीखते, रूस का व्यापार पूरी दुनिया में है। तो हमारा भी चलेगा और शायद ज्यादा अच्छा चलेगा। जब हम हिंदी में संस्कृत में काम करने लगेंगे हमारा व्यापार ज्यादा अच्छा चलेगा। इसलिए ये विदेशी भाषा छोड़ो, ये गुलामी भाषा की अपने जीवन से निकालो। इसके लिए हम भारत स्वाभिमान अभियान चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सारा कुछ मातृभाषा में पढ़ने और पढ़ाने का काम होना चाहिए, अंग्रेजी में सब बंद होना चाहिए। इसी तरह से हम चाहते हैं हमारी कानून व्यवस्था सब बंद होना चाहिए, हमारी कानून और न्याय व्यवस्था हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। भारत में 64 तरह की व्यवस्थाएं हैं जिनको बदलने के लिए ये भारत स्वाभिमान का अभियान हम चलाना चाहते हैं। हम एक काम और करना चाहते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी के जो प्रतीक हैं वो आज़ादी के बाद हमें ख़त्म करने। जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे रोड हैं जिनके नाम अंग्रेजों के नाम पर पड़े हुए हैं, मिंटो रोड, लॉरेंस रोड, कर्जन रोड, वेंटिंग रोड, मेयो रोड। ये क्यों होना चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद? खत्म करो ये सब नाम। कई कॉलेज हमारे अंग्रेजों के नाम पर हैं, एल्फिंस्टन कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, मिंटो कॉलेज, लिनलिथगो कॉलेज, मैकॉले कॉलेज। क्यों होना चाहिए अंग्रेजों के नाम पर कॉलेज? हमारे शहर भी कई अंग्रेजों के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश में एक शहर है उसका नाम है डलहौजी, गोवा में एक शहर है उसका नाम है वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा तो लुटेरा था, डलहौजी तो अत्याचारी था, उनके नाम पर शहरों के नाम हम क्यों रखें? कई सारे अंग्रेजों की मूर्तियां अभी भी इस देश में लगी हुई है, बम लगा के उड़ा देना चाहिए सबको। क्यों होनी चाहिए वो मूर्ति? बंबई में हम जाते हैं, एक बड़ा रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वहां सारी अंग्रेजों की मूर्तियां हैं स्टेशन। चर्च गेट एक स्टेशन है, वहां अंग्रेजों की मूर्तियां लगी हुई। कई हमारे देश में भवन हैं अंग्रेजों के नाम पर, कर्जन हाउस, चैथम हाउस, मिंटो हाउस, मियो हाउस, सब अंग्रेजों के नाम पर। क्यों? खत्म करना चाहिए। हमारे यहां तो कई बहुत सारे पार्क अंग्रेजों के नाम पर हैं। एक जिम कार्बेट नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, एक अंग्रेज के नाम पर है। क्यों? मर गया वो तो चला गया, नाम बदलना चाहिए। और ऐसे ही अंग्रेजों की गुलामी की निशानियां हमने अपने जीवन में सहेज सहेज कर रखी हैं। उनमें से एक निशानी है, एक गाना गाते हैं हम जनगण मन अधिनायक जय, ये अंग्रेजों के लिए गाया था हमने, ये हमारा गाना थोड़ी है। एक अंग्रेज आया था इस देश में, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ। 1911 में आया, 27 दिसंबर को कलकत्ता में आया, तो उस समय उसके स्वागत के लिए गाना लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो यही गाना है, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। माने भारत का भाग्य विधाता कौन? जॉर्ज पंचम, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता।
फिर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल वंश, भारत का जितने भी राज्यों का समूह है, पंजाब, सिंध, गुजरात, उनकी तरफ से कह रहे हैं, तब शुभ नामे जागे, तुम्हारा नाम पूरे संसार में हो, तब शुभ आशीष मांगे, तुम्हारे लिए भगवान से हम दुआएं मांगते हैं, जनगण मंगल दायक जय, भारत भाग्य विधाता, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम हमारे भाग्य विधाता हो। ये गुलामी का गाना है, अंग्रेजों के राजा की चाटुकारिता के लिए गाया हुआ गाना है, उनकी प्रशंसा के लिए गाया हुआ गाना। जॉर्ज पंचम को जब ये गाना सुनाया गया, उसके समझ में नहीं आया, क्योंकि ना उसको संस्कृत आती थी ना बांग्ला आती थी, तो उसने कहा इस गाने का भाषांतर करके मुझे अंग्रेजी में सुनाओ। तो उसका भाषांतर जब उसको अंग्रेजी में सुनाया, वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि मेरे देश में मेरी कोई इतनी प्रशंसा नहीं करता है, भारत में मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं। उसने कहा मेरी बीबी ने कभी मेरी इतनी प्रशंसा नहीं की, ये भारतवासी तो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। फिर उसने पूछा किसने गाना लिखा, तो बताया गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, तो उनका नाम वाम सब ले गया, और वो व्यक्ति नोबल प्राइज देने वाली कमेटी का चेयरमैन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को इनाम में नोबल पीस प्राइज उसने दे दिया, लिटरेचर का नोबल प्राइज ऐसे मिला लो रविन्द्रनाथ टैगोर। अंग्रेजों की चाटुकारिता की, उनकी गुलामी की, तो उन्होंने इनाम दे दिया, और उस इनाम को छाती से लगाकर रविन्द्रनाथ टैगोर रखे रहे। महात्मा गांधी ने उनको इतना कहा कि ये वापस कर दो, ये गुलामी की निशानी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी वापस नहीं किया, उस समय भी नहीं किया जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया ना 1919 में, सारे हिंदुस्तानियों ने राय बहादुर की पदवी वापस कर दी अंग्रेजों को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये इनाम वापस नहीं किया, वो रखा हुआ है अभी भी। लेकिन भला हुआ कुछ चोर उसको चुरा ले गए, अब वो मिल नहीं रहा है, मुझे तो बड़ी खुशी है, अच्छा हुआ, वो गुलामी का चिन्ह तो गया। भारत का गाना बन गया, राष्ट्रगान, और ये कैसे बना वो भी बात बताना चाहता हूं। 1946 में भारत का ये तय हो गया कि अंग्रेज छोड़ देंगे, तो भारत का संविधान बनाना, कानून बनाना, उसके लिए कमेटी बनाई गई, उसमें 319 लोग थे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, ऐसे 319 नेता थे। उनमें बहस हुई कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बना लिया मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होना चाहिए, तो उन्होंने तय कर लिया शेर। भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या होना चाहिए, तो ये तिरंगा झंडा बना लिया। ऐसे एक एक चीज वो तय करते गए। एक दिन बहस हुई कि भारत का राष्ट्रगान क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय झंडा हो गया, तो राष्ट्रगान तो कुछ होना चाहिए। तो 319 में से 318 लोगों ने कहा वंदे मातरम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम जनगण मन से बहुत पहले का लिखा हुआ है। जनगण मन लिखा गया 1911 में, वंदे मातरम 1875 में लिखा था इसे, वंदे मातरम सुन। तो क्रांतिकारियों ने एक संकल्प लिया था कि किसी को भी फांसी होगी, पहले वंदे मातरम बोलेंगे, फिर फांसी पे चढ़ेंगे। तो 732,780 क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलकर फांसी पर चढ़े। इसका माने क्रांतिकारियों का गाना है वंदे मातरम, लोगों का गाना है वंदे मातरम। तो 318 लोगों ने तय किया 1949 में कि वंदे मातरम होना चाहिए राष्ट्रगान। पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया, वो अकेले आदमी थे जिन्होंने विरोध किया। और विरोध का कारण क्या था, पंडित नेहरू ने कहा कि ये वंदे मातरम जो गाना है, ये विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पर बजता नहीं है, इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। और जनगण मन विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पे बहुत अच्छा बजता है, इसलिए इसको राष्ट्रगान होना चाहिए। तो लोगों ने नेहरू जी का बहुत विरोध किया। नेहरू जी ने धमकी दे दी कि अगर ये वंदे मातरम गाना हुआ
तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कांग्रेस पूरी घबरा गई। उस जमाने में कांग्रेस माने नेहरू, नेहरू माने कांग्रेस, तो कांग्रेसी सब डर गए, नेहरू जी के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर गए कि आप पार्टी मत छोड़ो, हम ये गाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके जनगणमन राष्ट्रगान बन गया और 50 साल बाद तक संसद में जनगणमन ही गाया जाता रहा। फिर संसद में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ 1997 में, हमारी आजादी के 50 साल का स्वर्ण महोत्सव। उसमें संसद में बहस हुई कि हम वंदे मातरम को अगर संसद में नहीं गा सकते तो ये सारा पाखंड करने का कोई मतलब नहीं है, क्रांतिकारियों के फोटो संसद में लगाने का कोई मतलब नहीं है, उनकी शहादत का कोई मतलब नहीं। तब संसद ने स्वीकार किया कि गलती हुई है, वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। तो अब संसद में वंदे मातरम गाया जाता है, लेकिन जनगणमन भी गा लेते हैं। तो संसद ने अभी स्वीकार किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक मुकदमा हुआ और उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि जनगणमन भारत का राष्ट्रगान नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति इसे नहीं गाता है तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो मैं कहता हूं आप भी मान लो, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो आप भी मान लो इसको, आप भी वंदे मातरम ही गाया करो, क्योंकि भगत सिंह ने वही गाया था, चंद्रशेखर ने वही गाया था, आशफाक उल्ला ने वही गाया था। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करते हैं, कैसे कर सकते हैं, आशफाक उल्ला को फांसी लगेगी थी तो वंदे मातरम ही गाया था उन्होंने, और आशफाक उल्ला मुसलमान थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, वो खुद वंदे मातरम गाते थे। अजीम उल्ला करके एक मुसलमान थे, वो वंदे मातरम गाया करते थे 1857 की लड़ाई में और उसके बाद भी। तो ये तो कुछ लोगों ने जबरदस्ती वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसको बना दिया। मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकते ये तर्क देते हैं, लेकिन मुसलमान दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मादरे वतन, उसका मतलब ही है वंदे मातरम। मादरे वतन माने मां भारती को वंदना, तो वंदे मातरम कह लो वो भी मां भारती की वंदना है। उर्दू में मादरे वतन है, संस्कृत में वंदे मातरम है, फर्क क्या है इसमें? मैं तो मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि मादरे वतन अपने शब्द कोश में से निकाल दो, फिर तो समझ में आएगा, जब वो है और उसका इस्तेमाल हो रहा है तो वंदे मातरम का भी हो सकता है। इसलिए ये गुलामी की निशानियों को एक एक करके हमें हटाना ही चाहिए अपने देश में से, अपने जीवन में से। हम सब इन गुलामी की निशानियों को अपने देश में से हटाएं, इसके लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया है और इस अभियान के तहत सारे देश में हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। आपसे भी मेरी एक विनती है, वो ये कि इस हमारे भारत स्वाभिमान अभियान में आप सब लोगों का हमें सहयोग चाहिए। ये सब काम हम करना चाहते हैं आपके सहयोग से। आप बोलेंगे क्या सहयोग करें, आप हमारे भारत स्वाभिमान के सदस्य बनिए, मेंबर बनिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें मेंबर बनाने हैं। 5 करोड़ लोगों को हम देश में इसका सदस्य बनाना चाहते हैं, और जिस दिन हमारे पास ये 5 करोड़ सदस्य होंगे उस दिन हर काम हम इस देश में नेताओं से करवा लेंगे जिसके लिए वो चुनकर जाते हैं। भारत के नेताओं की कुल संख्या 4 करोड़ है, हम जिस दिन 5 करोड़ हो जाएंगे वो हमारी हर बात मानेंगे, क्योंकि बहुमत का राज इस देश में चलता है और बहुमत हम इस देश में हमारा लाना चाहते। तो आप इसमें जुड़े, मेंबर बने। मेंबर बनने के लिए क्या है, एक फॉर्म है वो आप भर के दे दो। साधारण मेंबर बनने के लिए 51 रुपए का शुल्क है और विशेष मेंबर बनने के लिए 1100 रुपए का शुल्क है। आपकी जैसी शक्ति है, जैसी क्षमता है, वैसे मेंबर बनो। जो 1100 के मेंबर बनेंगे उनको हरिद्वार बुलाया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग स्वामी रामदेव जी करेंगे। जो 51 रुपए के मेंबर बनेंगे उनकी ट्रेनिंग यहीं व्यावरा में होगी, हरिद्वार से किसी को यहाँ लाया जाएगा। तो आप सबको प्रशिक्षण देकर
हम इस अभियान में जोड़ेंगे और गांव-गांव गली-गली इस अभियान की ताकत को बढ़ाकर शहीदों के सपने जो अधूरे हैं उनको पूरा करने का प्रयास हम करें। तो आप हमारे अभियान के सदस्य बने, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। और दूसरी अपेक्षा है कि हम भारत देश को स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण देश बनाना चाहते हैं। कारण क्या है? भारत को लूटने के लिए पहले एक विदेशी कंपनी आई थी, अब भारत को लूटने के लिए 5,000 विदेशी कंपनियां आ गई। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, पामोले, प्रॉक्टर एंड गैम्बुल, रैकेट एंड कोलमैन, हिंदुस्तान लीवर, ऐसी 5,000 कंपनियां हैं। हर साल 232,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जा रहे हैं। इन कंपनियों का सामान हम घरों में खरीद रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो हमारी आपसे विनंती है कि आप इन विदेशी कंपनियों का माल खरीदना बंद कर दो, ये मत खरीद। उसके स्थान पर जो स्वदेशी सामान है वो आप खरीदो, और वो स्वदेशी सामान खरीद कर देश का 232,000 करोड़ रुपए आप बचाओ और देश को स्वावलंबी और स्वदेशी बनाओ। आप पूछोगे पता कैसे चलेगा विदेशी सामान जो नहीं खरीदना है वो क्या है और स्वदेशी सामान जो खरीदना है वो क्या है? उसके लिए एक सूची बनाई है। परम पूजनीय महाराज जी की एक पुस्तक है, उसका नाम है जीवन दर्शन। उस पुस्तक के पीछे के पन्ने पर ये आप जरा दिखा दो सबको, ये जीवन दर्शन पुस्तक है, स्वामी जी ने लिखी है, मात्र 11 रुपए की मूल्य की है। इसके पीछे के पेज पर स्वदेशी विदेशी वस्तुओं की सूची छपी है, पेज नंबर 115। एक तरफ लिखा है विदेशी वस्तुएं कौन सी, दूसरी तरफ लिखा है स्वदेशी वस्तुएं कौन सी। ये पुस्तक आप घर में रखो, जब भी बाजार जाओ तो इसको पढ़कर जाओ और जो स्वदेशी वस्तुएं हैं वही खरीद कर लाओ, ताकि देश का 232,000 करोड़ रुपए बच सके। विदेशी कभी भी मत खरीद कर लो। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन किया था, लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन किया था, और उस आंदोलन की ताकत से एक विदेशी कंपनी को हमने भगा दिया था। अब फिर स्वदेशी आंदोलन करेंगे तो 5,000 कंपनियों को हम भगा सकेंगे और देश की आजादी बचा सकेंगे। तो व्यक्तिगत जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, स्वदेशी भाषा का उपयोग करें, स्वदेशी भूषा का उपयोग करें, स्वदेशी भोजन का उपयोग करें, स्वदेशी औषधि उपयोग करें, सब कुछ स्वदेशी हो। और सार्वजनिक जीवन में व्यवस्था परिवर्तन के काम में हम सहयोग करें, यही दो अपेक्षाएं हैं भारत स्वाभिमान की आपसे। उम्मीद है कि आप इन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और इस अभियान को सफल और सार्थक बनाएंगे। मैंने जो बातें आपको कही हैं ये सारी बातें करीब 70 घंटे में कह सकता हूं। इतना शोध मैंने किया है कि इस विषय पर 70 घंटे व्याख्यान में दे सकता हूं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं 70 घंटे रुक नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते। तो मैंने क्या किया है, 70 घंटे की CD बनाई है मेरे भाषण की, MP3 है वो CD। इधर पड़ोस में बाजू में मेरा कार्यकर्ता है, उसका नाम है सचिन, उसके पास है, आप वो CD ले सकते हैं और उसकी 2-4 कॉपी लेके हजारों कॉपी उसकी बना सकते हैं कंप्यूटर से। आप उसकी हजारों कॉपी बनाइए और ब्यावरा के एक एक घर में बांटिए। मैं कभी भी आपसे मुकदमा लड़ने नहीं आऊंगा, क्योंकि CD पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का मेरी तरफ से राइट है। मैं मानता हूं कि ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होता। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, आपने मुझसे लिया, किसी और को दिया। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए भारत ज्ञान बांटने वालों का देश है। इसलिए कॉपी राइट मेरा CD पर नहीं है। आप थोड़ी 2-4-10 CD खरीद लो, हजारों कॉपी बना बना के गली गली, गांव गांव, घर घर बांट दो, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। और ये CD सब लोग सुनेंगे तो उनको सारा विचार अच्छे से समझ में आएगा और इस भारत स्वाभिमान के साथ जुड़ेंगे तो बहुत जल्दी इस देश का वो काम पूरा हो जाएगा जो 1947 में होना चाहिए था, जिसको पूरा होने के लिए 62 साल हमें इंतज़ार करना पड़ा। अब और इंतज़ार हम नहीं करेंगे और इस काम को पूरा करके ही अपने अभियान को सफल और सार्थक करेंगे। ये बात कहकर
मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे किसी ने एक पर्ची दी है कि देसी खाद बनाने की विधि बताएं। हम लोग खेत में अगर खेती करें तो यूरिया ना डालें, डीएपी ना डालें, उसकी जगह गोबर की खाद डालें। वो बहुत आसान है। एक एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोबर ले लें, 15 लीटर गोमूत्र ले लें, 1 किलो गुड़ ले लें, 1 किलो दाल का आटा ले लें और 1 किलो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो मिट्टी, ये सब मिला के ड्रम में रखें। 15 दिन तक दाल कोई भी, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, कोई भी दाल, 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो मिट्टी, ये सब मिलाकर एक ड्रम में डाल दें और उस ड्रम को 15 दिन तक छांव में रखें, सूरज की धूप में न रखें, छांव में। 15 दिन बाद खाद तैयार हो जाती है। फिर उसमें 200 लीटर पानी मिलाएं और पानी मिलाकर जो घोल तैयार हुआ उसको खेत की मिट्टी पे छिड़क दें। अगर खेत खाली है तो सीधे छिड़क दें, खेत में फसल खड़ी हो तो पानी के साथ उसको डाल दें। जब पानी लगाते हैं फसल में उसी के साथ ये मिला दें। ये खाद जब मिट्टी में चली जाती है जबरदस्त उत्पादन आता है। मैंने पिछले 15 साल में 50,000 किसानों को ये बात बताई और जो जो किसान ने ये खाद बनाकर खेत में डाली है उनको बहुत उत्पादन मिल रहा है। पहले जो किसान यूरिया डालते थे तो एक एकड़ में 30 टन गन्ना होता था, अब एक एकड़ में 90 टन गन्ना होता है ये खाद डालने से। जिन खेतों में यूरिया डालने से एक एकड़ में 12 क्विंटल गेहूं होता था, अब ये गोबर की खाद डालने से एकड़ में 16-17 क्विंटल गेहूं होता है। जिन खेतों में 2-2.5 क्विंटल कपास होती थी अब 7 क्विंटल कपास होती है, माने उत्पादन बढ़ता है। और इस खाद को हर 21 दिन पर खेत में डालना चाहिए। आज डाला तो 21 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद, ऐसे करके साल भर डालते रहें। मिट्टी बहुत तंदुरुस्त हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है और उत्पादन भरपूर मिलता है। ये मुफ्त का खाद है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता और इस खाद को डालने के बाद यूरिया डालने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, कभी खेत में कीड़े लग जाएं तो कीड़े को मारने की दवा बनाएं। गाय का मूत्र ले लें 20 लीटर, नीम के पत्ते 2-2.5 किलो, आंकड़ा के पत्ते 2-2.5 किलो, फिर बेशरम के पत्ते 2-2.5 किलो, सीताफल के पत्ते 2-2.5 किलो, तंबाकू का पत्ता 1 किलो, ये सब पत्तों को पीस के मूत्र में डाल दें, गोमूत्र, उसको उबालें, उबाल कर उसको ठंडा करें और उसमें 200 लीटर पानी मिला दें तो एक एकड़ फसल पर कितने भी कीड़े आए हैं आप इसको एक बार स्प्रे कर देंगे 48 घंटे में सारे कीड़े मर जाते हैं। तो मुफ्त का कीटनाशक है, मुफ्त का खाद है, ये आप बनाएं, अपने खेत में डालें, उत्पादन बढ़ाएं, समृद्धि बढ़ाएं, संपत्ति बढ़ाएं। और जो जहर वाला खाना आप खा रहे हैं यूरिया डीएपी डालकर, वो जहर मुक्त खाना खाएं, गोबर और गोमूत्र खेतों में डालकर। तो ये बोलकर आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।